गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी बुक 2 है। अब आपकी जो थीम 3 है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो जैसे कि नाम से डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें हम जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश रूल हुआ, उसकी किस तरीके से शुरुआत हुई, क्योंकि वो एक टाइम था जब वो डायरेक्ट आए थे हमारे यहाँ एज ट्रेडर्स, और कैसे ये पूरी जर्नी शुरू हुई। और हम ऑफिशियल आर्काइव्स, क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, क्योंकि जैसे हमने चैप्टर 9 में जब मुगल्स के बारे में पढ़ा, तब भी मैंने आपको यही बताया था कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं लिख रहे हैं। लाइफ के बारे में कौन लिख रहा है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा जा रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो हमें वही रिकॉर्ड से ये सब कुछ पता चलेगा, और हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें कितना ट्रुथ है और कितना झूठ है। तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, चैप्टर 10। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अपने जो भी आपके कोई डाउट्स हो या आपको कोई व्यूज हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी बातें जान के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 10, जो कि आपकी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा सजेशंस हो, तो मैं एक सजेशन आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो बुक खत्म हो जाए, तो इसके बाद मुझे ज्योग्राफी के नोट्स बनाने चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेशन, या फिर पॉल साइंस का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइएगा कि इसके बाद आप कौन से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आप। तो इसमें हम कॉलोनियल रूल के बारे में देखेंगे, और हमें जो जमींदार हैं, जो बंगाल के एरिया के, फिर राजमहल हिल्स, फिर पहाड़िया और सत्थल, ये ट्राइब्स हैं जिनके बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि अभी आप क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हो। फिर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, उन्होंने अपना राज कैसे इस्टेब्लिश किया, क्या क्या पॉलिसीज थी, डिफरेंट सेक्शंस के लिए कैसे था, और जो ऑर्डिनरी लोग थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे, कैसे लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया था, उनके इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या होता था। अमीर गरीब के बारे में जानेंगे कि जो न्यू लैंड था, लॉसेस होते थे, लोग कैसे रहते थे, जो किसान होते थे वो क्या चीज़ करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, लॉस कौन से थे, जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू बिलीव टू जस्ट, जो वर्किंग ऑफ लॉस था वो किस तरीके से हो रहा था, वक्त के साथ क्या उनमें कोई मॉडिफिकेशन की गई, ये सब चीजें अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ये तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा यहीं पे आ जाते हैं। अब बंगाल एंड द जमींदार, तो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? बंगाल के एरिया की। और बंगाल यही वाला आज के बंगाल की तरफ भी आप अपना ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा विजुअल इफेक्ट दिमाग में रहेगा तो अच्छे से समझ आएगा। अब कॉलोनियल रूल सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? बंगाल में। तो ये MCQ के तौर से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन, तो आपका आंसर होगा बंगाल। तो सबसे पहले अटेम्प्ट यही किए गए थे कि जो रूरल सोसाइटी है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी, बेसिकली जो लोग पेजेंट्स हैं वो वहाँ रह रहे हैं, उसको रीऑर्डर करना, उसमें मतलब चेंजेस करने की सबसे पहली कोशिश बंगाल में ही की गई थी, क्योंकि सबसे पहला रूल वहीं एस्टेब्लिश हुआ था। तो नए नए लैंड के राइट्स और रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू यानी कि क्या है कि एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब जो वो खेती में फसल उग रही है वो मार्केट में सेल की जाएगी, बेची जाएगी, तो उससे कुछ आपको पेजेंट को कुछ मनी मिलेगी। उस मनी में से कुछ अमाउंट उसको पहले किंग को देना पड़ता था, मुगल्स को देना पड़ता था, अब वो अमाउंट उसको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से देना होगा, उसका एक पूरा एक नया सिस्टम बनाया गया। अब सबसे पहले एक ये स्टोरी बताई जा रही है भुर्दवान की। भुर्दवान में एक ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन अगर आपने
लाइफ तो मैंने भी कभी नहीं देखा, अगर आपने कभी मूवी में देखा हो तो वैसे वो अलग अलग प्राइस बता रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि 1,000, फिर कहते हैं 1,001, 1,002, 1,003 सोल्ड, तो ऐसे करके ऑक्शन होती हैं। तो उस तरीके की ऑक्शन हो रही है, कब हो रही है, 1797 में, यानी कि बहुत पहले के वक्त की बात हो रही है। बुर्दवान यहाँ पे एक ऑक्शन चल रही है, ये बिग पब्लिक इवेंट है, यानी कि पब्लिक इवेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोग नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे हर कोई आ सकता है क्योंकि ये पब्लिक इवेंट है और काफी बड़ा इवेंट है ऑक्शन का। महल्स क्या होती हैं, इस्टेट्स होती हैं। महल, अब आपको आगे पता चलेगा कि ये हमारी इस्टेट है, ये हमारा हिस्सा है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये मेरा हिस्सा है। तो ये एक लैंड है, ये एक हिस्सा है, इस्टेट है, जो कि राजा ऑफ बुर्दवान की थी, वो बेची जा रही थी। तो इवेंट क्या चल रहा है, ऑक्शन चल रही है किस चीज की, एक जमीन की, एक हिस्से की, जो कि राजा ऑफ बुर्दवान का था। अब वो क्यों बेची जा रही है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट, ये एक परमानेंट सेटलमेंट एक सिस्टम था, ये ऑपरेशन में आया 1793 से। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट हैड केम इन ऑपरेशन इन 1793। इसके हिसाब से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेवेन्यू, जो कि मैंने आपको बताया ना, एक अमाउंट होता था, वो फिक्स किया था कि हर जमींदार को, ये याद रखना, किसको पे करना है, इसमें पेजेंट्स की बात नहीं हो रही है, इसमें किसान को पे नहीं करना है, इसमें किसको पे करना है, जमींदार को पे करना है। अब जमींदार क्या अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से देगा? नहीं, जमींदार कहाँ से लेगा, वो तो पेजेंट से लेगा और वहां से फिर वो स्टेट को देगा। तो अब पहले स्टोरी समझते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हर जमींदार को एक अमाउंट फिक्स किया था जो उनको देना होता था, अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनकी उस जमीन को ऑक्शन कर दिया जाता था, उनकी उस जमीन को बेच दिया जाता था, जिस जगह के वो जमींदार कहला रहे हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट का एक समरी सिस्टम है जो आपको अभी तक मैंने समझाया है। अब जो फेल हो गया पे करने में, उसकी जमीन को ऑक्शन किया जाता था ताकि रेवेन्यू को रिकवर किया जा सके, और यही चीज बुर्दवान के राजा के वहां पे भी हो रही थी। राजा बेसिकली वो राजा नहीं है, राजा वो टर्म दी जाती थी जो बहुत पावरफुल जमींदार होते थे, जिनके पास काफी बड़ी जमीन है, पावर है, उन्हें राजा कह दिया जाता था। तो वही राजा है ये वो राजा नहीं है जो अभी तक हम सेकेंड बुक तक पढ़ रहे थे। इनके पास बहुत बड़ा एरिया होता था और इनकी एस्टेट को ऑक्शन किया जा रहा था, और क्योंकि ये बड़ा पब्लिक इवेंट था तो बहुत सारे लोग इनकी उस जमीन को, एस्टेट को परचेज करने के लिए आए हुए थे, और जो भी सबसे ज्यादा बिड करेगा, सबसे ज्यादा प्राइस बोलेगा, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो ऑक्शन होती है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 10,001, 10,002, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट बोलेगा उसको वो राजा ऑफ बुर्दवान की, ऐसे देखो ये राजा ऑफ बुर्दवान का पैलेस है, तो ऐसे उनका वो पूरा एरिया उनको मिल जाएगा। लेकिन उनको इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि जो वहां पे पब्लिक इवेंट में खरीदने के लिए बैठे हुए थे ना, उनमें से कुछ राजा के ही एजेंट्स थे, राजा के ही सर्वेंट्स थे जो वो जमीन को खरीदने के लिए बैठे थे, और जिन्होंने जमीन खरीदी वो मास्टर के बिहाफ पे ही ले ली उन्होंने, मतलब उनके किसी सर्वेंट ने ही वहां पे बिठा दिया होगा उनको, और उन्होंने सबसे बड़ा अमाउंट बोल दिया और उन्होंने जमीन ले ली। अब सर्वेंट थोड़ी राज करेगा, राज तो फिर से वो राजा बुर्दवान ही करेंगे। तो 95% इसी तरीके से, जो हर जगह पे बंगाल के एरिया में जब भी ऑक्शन हो रही थी, वो फिक्टिशियस, मतलब वो झूठी होती थी, वो सिर्फ दिखावे में होता था कि वो ऑक्शन हो रही है, हकीकत में वो ऑक्शन होती नहीं थी। राजा की स्टेट दुनिया के सामने बेच दी जाती थी, लेकिन राजा की जमींदारी उसके पास ही रह जाती थी क्योंकि उसके एजेंट, उसके लोग ही खरीद लेते थे। तो इस तरीके से जो पावर है वो अल्टीमेटली जमींदार की, जमींदार के पास ही रहती थी, और ये पूरा बंगाल के एरिया में चल रहा था। तो उनको फाइनली जो रेवेन्यू ब्रिटिश को मिलना चाहिए, जिसके लिए वो ये सब कर रहे थे, वो तो उनको अल्टीमेटली फिर से नहीं मिल पाता, और जमींदार की जमींदारी भी बच जाती है। तो अब जो ये अनपेड रेवेन्यू है जो नहीं मिल पा रहा ब्रिटिशर्स को, तो एस्टेट ऑफ बुर्दवान राज वॉज नॉट वंस सोल्ड 18th सेंचुरी में,
लेकिन ओवर 75% ऑफ जमींदारी जो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था ना परमानेंट सेटलमेंट, हाँ जी सॉरी 1773, उस टाइम में जितनी भी ये जमींदार ने इस तरीके से अपनी परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट जमींदारी चेंज की, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। अब ये कहानी थी जिससे हमें हाईलाइट पता चली कि भाई परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू नहीं मिल रहा ब्रिटिशर्स को। अब रेवेन्यू आया कैसे था ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम? तो परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल पे कंट्रोल किया तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद ये प्रॉब्लम कि वो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1770s के टाइम में, क्योंकि 1773 की बात कर रहे हैं हम, तो 1770s में जो रूरल इकोनॉमी थी यानी कि जो एग्रीकल्चर जो गांव के एरिया की इकोनॉमी थी बंगाल की वो क्राइसिस में थी। वहां पे फेमाइन आ रहा था, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, जो वहां के खेत थे उनमें उतना आउटपुट नहीं था, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, फेमाइन था, भूखमरी आ रखी थी, इतना बुरा हाल था बंगाल में। ऑफिशियल्स को लगा कि एग्रीकल्चर जो है रूरल एरिया का जो व्यापार है ट्रेड है एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो स्टेट डेवलप कर सकती है, वो कोशिश करे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ ले कि लोग इस एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें तो फिर उनको इंक्रीज होगा, उनको प्रॉफिट आएगा। और उन्होंने उस प्रॉपर्टी के सिक्योर करने के लिए राइट्स को उन्होंने परमानेंटली अमाउंट को फिक्स कर दिया कि आप इस जमीन पे अपना अधिकार तो रख रहे हो, जो जमींदार अपना अधिकार रख रहे हैं, जमींदार एक है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस लैंड में बड़े सारे किसान हैं, तो आप इस जमीन को पूरा बोल रहे हो कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ, आप अपना राइट सिक्योर कर रहे हो, लेकिन उसके बदले आपको हम एक रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं, आप हमें वो दोगे, क्योंकि हेड तो हम हैं, बंगाल पूरा हमारा है, तो आप जिस एरिया के जमींदार हो वहां से आप हमें रेवेन्यू दोगे। अगर आप जो फिक्स रेवेन्यू है वो नहीं दे पाए, फिक्स रेवेन्यू का रेगुलर फ्लो होना चाहिए, अगर ना हो पाए तो जैसे हमने ऊपर देखा आपकी जमींदारी को दूसरे को दे दिया जाएगा। और ऐसे उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कैसे कि सबसे ऊपर हम हैं, सबसे ऊपर है ब्रिटिश, ब्रिटिश के नीचे आएंगे जमींदार और जमींदार के नीचे पेजेंट्स। अब पेजेंट लोग क्योंकि ज्यादा मनी चाहिए तो उनको लगा कि वो इनके खेतों में इन्वेस्ट करेंगे, इनके खेतों को बेहतर करेंगे और इनसे यहाँ से पैसा मिलेगा और फिर यहाँ से ब्रिटिशर्स को मिलेगा, इन्होंने सोचा तो ये था। लेकिन क्या कोई जमींदार हकीकत में पेजेंट्स के जो किसानों की जमीनों पर इन्वेस्ट करेगा वो क्यों चाहेगा? पर वो तो ब्रिटिशर्स ने तो सोचा नहीं, ब्रिटिशर्स को सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से मतलब था, और उन्होंने यही बोला कि अगर आप नहीं दे पाए तो आपकी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। अब इस तरीके से ये परमानेंट सेटलमेंट का पूरा सिस्टम था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। हाउएवर लेन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स, उनको तो समझ आ गया कि हमें अभी जमींदार का केस नहीं आया, अभी तो कहानी चल रही है। उन्होंने सोचा कि ठीक है ये हम ब्रिटिशर्स हैं और हमें यहाँ ट्रेडर्स पेजेंट से पैसे मिलेंगे, लेकिन अब वो उन्होंने सोचा कि हम कहाँ एक एक किसान ढूंढते फिरेंगे, इंडिविजुअल्स को ढूंढना पड़ेगा, तो जो एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव कर सकें और वो प्रॉमिस भी करें कि वो रेवेन्यू देंगे। अब एक एक किसान के पास हम जाएंगे, हम वहां पे रेवेन्यू फिक्स करेंगे, हम ये कैसे करेंगे? तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें कोई ऐसा बीच में मिल जाए जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में भी ध्यान दे और हमें प्रॉमिस करे कि वो हमें हर टाइम एक फिक्स अमाउंट देता रहेगा, तो काफी डिबेट हुई। और उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ हुई? राजाज, जो कि तालुकदार थे बंगाल के, जो कि जमींदार आप कह रहे हो ना जिनको राजा कहा गया, जो बहुत पावरफुल है, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने ये तरीका किया, इनको जमींदार कहा गया। अब क्या था, फिक्स अमाउंट डिसाइड किया गया था जो इनको पे करना होता था, अगर ये नहीं पे करते थे तो इनकी जमींदारी को जब्त कर लिया जाता था। जमींदार अब क्या कर रहे थे, अब वो जमींदार जमीन के ओनर नहीं थे, पहले जो ये एरिया है इस पूरे का, चाहे अलग अलग किसान रह रहे हैं लेकिन जमींदार की ना बहुत पावर होती थी,
वो बेसिकली पूरे लैंड का, पूरी जगह का ओनर होता था, उसकी जमींदारी होती थी उसे कहते थे। लेकिन अब वो सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर बन गया था, वो सिर्फ यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहा था और कुछ हिस्सा खुद के पास रख के बाकी वो ब्रिटिशर्स को दे रहा था। तो इस तरीके की उनकी पावर रह गई थी। जमींदार्स के अंडर बहुत सारी विलेजेस आती थी, तो कंपनी ने हर जमींदार की कैलकुलेशन की और उन्होंने डिसाइड किया कि आपको इतना रेवेन्यू देना होगा। जो टोटल अमाउंट फिक्स हुआ वो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको हमें ये देना होगा। जमींदार क्या करते थे, वो रेंट कलेक्ट करते थे अलग अलग विलेजेस से, कंपनी को रेवेन्यू देते थे और जो भी बीच में बचता था वो उनकी इनकम रहेगी। यही बात कंपनी ने एक्सपेक्ट की थी और उन्होंने कहा कि आपको हमें रेगुलरली देना होगा, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी जमीन को हम ऑक्शन कर देंगे। ये पूरा परमानेंट सेटलमेंट में सिस्टम चल रहा था। अब जमींदार डिफॉल्ट कर क्यों रहे थे कि कौन जमींदार चाहेगा कि उसकी जमीन को ऑक्शन हो जाए, लेकिन राजा जो थे बुर्दवान के, या अलग अलग 75% हम कह रहे हैं कि ऐसे जमींदारी चेंज हो रही थी, तो वो डिफॉल्ट कर क्यों रहे थे, वो पेमेंट आखिर टाइम पे दे क्यों नहीं रहे थे। ऑफिशियल्स ने क्या सोचा कि भाई जमींदार तो इतने पावरफुल हैं, ये तो हमें हमेशा रिटर्न दे ही देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की, और वो स्टेट को जो अपने एरिया है उसको इम्प्रूव भी करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट पर ऐसा हो ना पाया, फेल हो गई पेमेंट और अनपेड बैलेंस एक्यूमुलेट हो गया। जमींदार को जितना अमाउंट देना था, फॉर एग्जांपल उनको हर दिन, हर कुछ पर्टिकुलर टाइम में 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन वो 1 लाख की जगह उन्होंने कुछ भी अमाउंट नहीं दे पाए, या उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपीज दिए। तो ऐसे करके जो बैलेंस था वो एक्यूमुलेट होता गया, डिफरेंस बढ़ता गया। और ये रीजन क्या था कि वो क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि फेलियर हो रहा था। पहला रीजन, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द रीजन ऑफ द डिफॉल्टेड ऑफ पेमेंट्स बाय जमींदार, या फिर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट, या उनके स्टेट्स में वो क्यों फिक्स्ड जो रेवेन्यू था वो कंपनी को नहीं दे पा रहे थे। ये कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका यही आंसर होगा। और इसका आंसर का सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो डिमांड, जो फिक्स किया गया था अमाउंट, वो पहले ही इतना हाई था तो वो पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर डिमांड जो उन्होंने सोचा कि परमानेंट है, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है, फिक्स रहेगा अमाउंट, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे इसीलिए हम शुरू में ही बहुत ज्यादा रख दें। तो उन्होंने इतना ज्यादा अमाउंट रख दिया कि वो पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, और उसका सारा बर्डन जमींदार के ऊपर आ रहा था। और दूसरा रीजन ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो फसल उग रही थी, वो डिक्लाइन हो गई। और जो मार्केट में पैसे मिल रहे, जैसे सपोज आप लोगों को 1 kg टोमेटो के प्राइस पहले आपको 20 रुपीज मिल रहा था, लेकिन अब उसका डिक्लाइन हो गया, अब आपको सिर्फ 10 रुपीज में मिल रहा है, तो फार्मर को नुकसान हो रहा है। जब फार्मर को लॉस हो रहा है तो वो जमींदार को क्या देगा, और जब जमींदार को कुछ नहीं मिलेगा तो वो ब्रिटिशर्स को क्या देगा। तो ये पूरी आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। तो ऐसे करके वो लॉस हो रहा था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो पहले उन्होंने अमाउंट इतना ज्यादा रखा कि वो दे नहीं पा रहे, दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ, कि कोई फसल उग ही नहीं रही। पहले एक एरिया में सपोज 1 क्विंटल उग रहा था, अब वहां पे उससे आधा उग रहा है, क्योंकि उतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। और तीसरा रीजन है कि प्राइस भी गिर गए, प्राइजेस रोज, प्राइजेस बढ़ गया चीजों के, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रही थी। सेकेंड था कि हाई डिमांड वॉज इम्पोज इन 1790s, डिमांड बहुत बढ़ गई थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज डिप्रेस्ड, प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड। यहाँ पे प्राइजेस रोज क्यों लिखा है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में यहाँ लिखा है, और जो फैक्ट था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी मैंने आपको बताया ना कि वो प्राइसेस डिक्रीज हो गए थे, तो रायत्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो जमींदार को ही नहीं पे कर पा रहे थे अमाउंट, तो फिर वो ब्रिटिशर्स को जमींदार कैसे पे करेगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है, आप इसको चौथा भी बना सकते हो, अगर आप इसको थर्ड सेकेंड पॉइंट बना लो तो ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, कि मतलब वेरिएबल क्या होता है कि वो वक्त के साथ वेरी कर जाए, बट वो इनवेरिएबल था, वो फिक्स था, बिल्कुल भी परमानेंट था। तो वो आपको पंचुअली पे करना है, जैसे मतलब सनसेट लॉ था कि अगर सूर्य अस्त हो गया, सन सेट हो गया और आपने पे नहीं किया तो ओवर,
आपको उस टाइम तक पेमेंट करनी ही करनी, अगर नहीं किया तो आपकी जमींदारी को ऑक्शन कर देंगे। तो ये फिक्स था बिल्कुल। अरे कभी ऐसा हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन नहीं, इनका सनसेट लॉ था वो बिल्कुल फिक्स था। फोर्थ पॉइंट है परमानेंट सेटलमेंट की जो पावर थी। जमींदार ना पहले बहुत पावरफुल हुआ करते थे। जमींदार जस्टिस करना, कोई डिस्प्यूट हो जाए वो करना, वो लोगों को लोन दिया करते थे। उनके पास अपने खुद के लोग होते थे, एज अ मतलब उनकी जो पीछे ट्रूप्स होती थी, उनके पास बहुत सी पावर होती थी। लेकिन अब क्या हुआ था, अब जमींदार की ना पावर एक रेवेन्यू इकट्ठा करना बस उतनी ही रह गई थी। तो पावर ऑफ जमींदार वो सिर्फ रेंट फ्रॉम रायत, जो फार्मर्स से पैसा इकट्ठा करना है, बस उतनी ही रह गई थी। उनकी पावर भी कम हो गई थी। तो 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ बनते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी ने रिकग्नाइज किया कि जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहें, तो इसीलिए उन्होंने उनकी अथॉरिटी को खत्म कर दिया। क्योंकि जमींदार अगर पावरफुल रहेंगे तो फिर ब्रिटिशर्स की पावर कम हो जाएगी ना। अगर जमींदार के पास अपना जस्टिस देने का अधिकार है, लोन देने का अधिकार है, उनके पास अपनी ट्रूप्स हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स को डर था कि यार ये हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इनकी पावर्स को कम कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो जमींदार की जो ट्रूप्स होती थी उनको डिसबैंड कर दिया कि अब उनके पास अधिकार नहीं था अपनी ट्रूप्स रखने का। उनके जो कस्टम ड्यूटीज थी, जो वो ड्यूटीज लगाया करते थे, वो भी अबॉलिश कर दी। पहले ये अधिकार होता था जमींदार को कि वो कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, अपना खुद का कचहरी चलाते थे वो, कि किसी के बीच में लड़ाई हो गई तो जमींदार सुलझा रहा है। लेकिन ये सब कुछ अब ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया, अपने खुद के सुपरवाइजर्स को बिठा दिया, जो लड़ाई होगी वो सुपरवाइजर सुलझा रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार की जो पावर थी वो लोकल लेवल पे बिल्कुल खत्म कर दी, और अब वो सिर्फ उन्होंने अलग अलग जो ब्रिटिशर्स के लोग थे उनको बुला लिया। जैसे अगर कोई जस्टिस करना है तो अब वो ब्रिटिशर्स के लोग आ गए। हर चीज में अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होने लग गया और जमींदार की पावर कम होने लग गई। और धीरे धीरे इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण राजाज रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो जमींदारी के ऊपर अपना अधिकार जमाते थे, अब उनसे ऊपर वो होते थे, और सारी पावर अब ब्रिटिशर्स के पास होती थी। जो ब्रिटिशर्स के भेजे हुए लोग हैं अब वही मेन अथॉरिटी रखते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जमींदारों को पे नहीं कर पाए अमाउंट, और उनकी जमींदारी को ऑक्शन किया जाने लगा। अब जब रेंट कलेक्शन की बारी आई, जब रेवेन्यू डिसाइड हो गया सब कुछ, तो ऑफिसर ऑफ जमींदार यूजुअली अमला केम अराउंड द विलेज, बट रेंट कलेक्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि कभी कभी हार्वेस्ट ही नहीं हुई अच्छी, उनको दाम ही नहीं मिला, उनको पैसे ही नहीं है, तो रायत पे नहीं कर पाते थे। दूसरा था कि कभी कभी वो जान के नहीं पे करते थे पेमेंट, कि भाई जमींदार की ऑक्शन हो जाएगी, जमींदारी उनको पता था तो वो कभी कभी जान के नहीं करते थे। तीसरा केस ये था कि जो रिच रायत थे, अब सारे किसान गरीब नहीं थे, कुछ रिच रायत भी थे, वो क्या करते थे, उनको जमींदार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो रिच रायत्स और जो विलेज हेडमैन होते थे वो बहुत खुश होते थे जब जमींदार ट्रबल में होता था। तो जमींदार देयर फॉर अपनी पावर एग्जर्ट नहीं कर पाता था और वो डिफॉल्ट कर जाता था। और ये कहा जाता है कि 1789 में, जब 1980 में, जब बुर्दवान का जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, उसमें अलोन 30,000 सूट्स पेंडिंग थे रेंट पेमेंट के। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके अगेंस्ट वो पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि लोग इतने परेशान भी थे। अब ये जो नई टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं, ज्योतिदार्स और मंडल्स, ये टर्म्स आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, अभी नीचे आगे भी एक्सप्लेन होंगी। लेकिन आप ये याद रखो कि जो ज्योतिदार्स है वो विलेज के पावरफुल लोग हैं, और वो लोगों के साथ रह रहे हैं, उन्हें आप रिच रायत्स भी कह सकते हो। वो किसान हैं लेकिन वो अमीर हैं। उनके नीचे हैं वो रायत्स जिनके पास उतना पैसा नहीं है, शायद अपनी लैंड भी नहीं है, वो बहुत परेशान हैं। और इन सब के ऊपर टेक्निकली जमींदार है, लेकिन ज्योतिदार्स जमींदार से उनके, कहते हैं ना, उनको पसंद नहीं है वो, और उस चक्कर में वो चाहते नहीं है कि टाइम से पेमेंट हो, और वो जमींदार्स को ट्रबल में देख के खुश होते हैं। ये अभी तक की टर्म्स हैं। अब ज्योतिदार्स कौन है,
और उनका राइज होने लगा। जब जमींदार्स ने 18th सेंचुरी में उनको क्राइसिस फेस होने लगा, तो जो अमीर किसान थे उनकी पोजीशन बढ़ने लगी। जब फ्रैंकोइस बुचमैन, जिन्होंने सर्वे किया नॉर्थ बंगाल में, तो उन्होंने ये कहा कि जो रिच पेजेंट्स हैं, जिनको ज्योतिदार्स कहा जाता है, मैंने ऊपर भी कहा था ना रिच रायट्स, उनकी पावर डिस्क्रिप्शन, उनका विविध ऑफ क्लास, उनको रिच पेजेंट्स कहा गया। ज्योतिदार्स ज्योतिदार्स के पास बहुत बड़ा लैंड था, 1000 acres ऑफ लैंड, इमेजिन। और वो जो लोकल ट्रेड होता था वो भी करते थे, और लोगों को अगर पैसे उधार पे देने, और उनके पास काफी पावर थी, काफी बड़ा एरिया था। तो ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी ना, वो इनकी जमीन, क्योंकि 1000 acres ऑफ लैंड है, तो वो जो लैंडलेस लेबर है वो इनकी जमीन में आके काम किया करते थे। और जो भी इनका प्रोड्यूस होता था, लेबर्ड इन द फील्ड हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द ज्योतिदार्स आफ्टर द हार्वेस्ट। तो जो इनकी जमीन पे पूरा काम करते थे, उसके प्रोड्यूस का हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वो ज्योतिदार्स को दे दिया करते थे, क्योंकि इनके बहुत बड़ी जमीन थी। अगर आप विलेज के अंदर बात करो, तो जमींदार से ज्यादा ज्योतिदार की पावर थी। जमींदार जो होते थे ये अर्बन एरिया, शहरों में रहते थे, लेकिन ज्योतिदार, क्योंकि वो किसान ही हैं, तो वो विलेजेस में ही रहते थे, और क्योंकि वो लोगों के साथ रहते थे तो उनका एक कंट्रोल था लोगों के ऊपर, लोग उनकी बात मानते थे। और जो कभी भी अगर जमींदार जमा, यानी कि जो उनके ऊपर टैक्स है या कर है वो बढ़ाता था, तो उसको रेजिस्ट करते थे कौन? ज्योतिदार्स। जमींदार, जमींदारी ऑफिशियल्स को प्रिवेंट किया जाता था कि वो अपनी ड्यूटीज ना कर सके ठीक से। कैसे? ये सब कुछ ज्योतिदार्स करते थे। ज्योतिदार्स चाहते नहीं थे कि जमींदार टाइम से पैसे इकट्ठे कर लें, टैक्स इकट्ठा कर लें, तो वो रायत्स को, किसानों को इकट्ठा कर लेते थे और उनको मना करते थे कि तुम टाइम पे पेमेंट मत करो। वो डेलिबरेटली जान के जमींदार्स को लेट पेमेंट किया करते थे। और कभी कभी जब जमींदार्स की जमींदारी ऑक्शन होती थी, तो ज्योतिदार्स होते थे जो उनकी जमींदारी को परचेज कर लिया करते थे, खरीद लेते थे। ज्योतिदार्स नॉर्थ बंगाल वाले एरिया में बहुत पावरफुल थे, इनको रिच पेजेंट माना जाता था, और ये विलेज के मुखिया, हेडमैन के तौर से भी थे, कमांडिंग फिगर थे, इनकी बात पूरा गांव मानता था। कुछ अलग एरियाज में भी, बंगाल में स्पेशली यही केस था कि उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। अब ज्योतिदार्स को कहीं कहीं पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, लेकिन पावर उनकी बहुत ज्यादा थी। कहीं पे मंडल, कहीं पे अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने जमींदारी अथॉरिटी की पावर को वीक किया, और इनकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब आप इस मैप के, ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझने की कोशिश करो कि सबसे ऊपर है ब्रिटिश कंपनी, जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ये रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके नीचे जमींदार आ रहे हैं, इनके पास कंट्रोल है एक नहीं बहुत सारी, एक से ज्यादा विलेजेस का, मोर देन वन विलेज इनके पास कंट्रोल है, ठीक है। ये अर्बन एरिया में रहते हैं और ये अपनी पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं गरीब किसानों पे। लेकिन वही जो किसानों के ऊपर ये पावर डाल रहे हैं, उनमें ज्योतिदार्स भी हैं। ज्योतिदार रिच रायत्स हैं, ये ट्रेड भी कर रहे हैं, लोगों को मनी उधार पे भी दे रहे हैं, और छोटे किसान इन लोगों के अंडर आते हैं। तो जो ये कह रहे हैं, इनकी बात ये लोग भी सुन रहे हैं, और ये लोग रूरल एरिया, जो गांव का एरिया है, वहीं रहते हैं, तो इनकी पावर, इनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा है कंपेयर टू जमींदार। तो इस तरीके से ये टैक्स जाए, टैक्स तो इस तरीके से जाता था पावर का, कि है जमींदार ऊपर, लेकिन अब धीरे धीरे पावर ज्योतिदार की बढ़ रही थी, और ये उनसे जमींदारी भी ऑक्शन पे ले लिया करते थे। अब यहाँ पे जो लिखा है, एक बार हम ये भी पढ़ लेते हैं, जमींदार जो थे वो, उनकी क्या ड्यूटीज हुआ करती थी, कि उनको रेवेन्यू पे करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू डिमांड, कि आपको कितना रेवेन्यू देना है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि किस एरिया से कितने पैसे लेने हैं, वो ये काम किया करते थे। हर विलेज का जो किसान था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको, चाहे इवन जो ज्योतिदार भी है ना, उनको भी देना तो पड़ेगा जमींदार को ही टैक्स, तो उनको पे करना पड़ता था रेंट, किसको? जमींदार को। ज्योतिदार रायट्स को, चाहे वो छोटे रायट्स हैं, अंडर रायट्स, या फिर ये वाले रायट्स, इन सबको लोन प्रोवाइड करते थे कौन? ज्योतिदार। रायट्स जो होते थे वो, उनके पास कुछ लैंड होता था, और जो अंडर रायट्स हैं,
इनको वो लोग रेंट पे देते थे अपनी जमीन, वो यहाँ पे काम करा करते थे। और हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वो इनको देते थे और बाकी सारा काम करते ये अंडर रायट्स ही थे। अंडर रायट्स रेंट पे करते थे रायट्स को और जोतेदार्स को, और फिर ये लोग पे करते थे जमींदार को, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती थी। अब जमींदार रेजिस्ट, उनकी जो अथॉरिटी थी वो खत्म ना हो जाए, उनको ये डर लगने लगा। तो अब ये यहाँ से हम टॉपिक अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो, आज की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग थी, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था ये पूरा एक सिस्टम, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अंडर थे जमींदार्स, जमींदार्स के नीचे आते थे रायत्स जिनको आप किसान कह सकते हो, और जोतीदार्स ये रिच रायत्स होते थे। तो कुछ ऑर्डर इस तरीके से चलता था कि जो छोटे छोटे लैंडलेस रायत्स थे या जो बहुत ज्यादा ही गरीब थे वो वर्क करते थे रायत्स के लैंड पे, या उनको कुछ रेंट दिया करते थे बेसिकली। और इसी तरीके से जोतीदार्स को भी रेंट मिलता था रायत से भी। और ये तो रिच हैं तो इनके पास पावर होती थी, ये लोगों को लोन दिया करते थे एंड इनके पास काफी पावर थी, इनकी बात मानी जाती थी विलेजेस में। इन सब के ऊपर आते थे जमींदार्स, जमींदार्स के कंट्रोल में काफी सारी विलेजेस होती थी। यहाँ से ये कलेक्ट करके रेवेन्यू, कुछ शेयर अपने पास रख के बाकी का जितना भी परमानेंटली डिसाइड किया गया था वो किसको देते थे, कंपनी को दिया करते थे। लेकिन हमने देखा कि ये लोग रेंट दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारे रीजंस हमने देखे कि जोतीदार्स मना कर देते थे, जान की डिले करते थे, वो चाहते होते थे कि जमींदार्स परेशान हो। रायत्स फेमाइन आ गया, उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था मार्केट में, उनको उतना प्राइस ही नहीं मिल रहा था, बहुत से रीजंस थे कि वो उतना रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा था जमींदार्स को कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे सके। तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो उसके कारण आगे तो जमींदार्स की जो प्रॉब्लम का उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला वो अब हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक में द जमींदार्स एंड जमींदार्स रेजिस्ट। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अब जमींदार्स, जब हमने ऊपर एक ज्योतिदार्स के बारे में देखा था जो कि विलेजेस में रहते थे, और हमने देखा कि जमींदार्स जो थे ये तो कंट्री साइड में, ये बाहर के एरिया में रहते थे, तो इनकी पावर थोड़ी इंक्रीज हुई। और जब हमने बुर्दवान का एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा कि ऐसी जब बहुत सी स्टेट्स का ऑक्शन होता था तो ज्योतिदार्स उन स्टेट्स को खरीद लिया करते थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जमींदार्स की पावर गांव में रूरल एरियाज में खत्म हो गई थी। ये जो इतना हाई रेवेन्यू वो डिमांड आ रही थी जो वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने एक जो तरीका ढूंढा बचने के लिए वो था फिक्टिशियस सेल। फिक्टिशियस मतलब कि जो असली सेल नहीं होती थी, वो बस दिखावे की होती थी। जो एग्जाम्पल हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था राजा ऑफ बुर्दवान का, कि वो उसे दे ही नहीं पाए तो क्या हुआ, ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर।
जो जमींदार है उसकी क्या होगी, जमींदारी होगी। उन्होंने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा सबसे पहले तो अपनी मदर को दे दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के उसमें एक लॉ था कि जो जमींदारी वुमेन के अंडर आती है उसको रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन पे डिक्री नहीं ली जाएगी, ये एक रूल था, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, जब ऑक्शन की बारी आई, सपोज इतना हिस्सा उन्होंने अपनी मदर को दे दिया, अब जो बाकी का हिस्सा है, क्योंकि वो सारी जमींदारी तो अपनी मम्मी को नहीं दे सकते, तो जो बाकी का हिस्सा था उसकी ऑक्शन हुई। उसकी ऑक्शन में उन्होंने अपने एजेंट्स को बिठा दिया, अपने सर्वेंट्स को बिठा दिया, और बाकी किसी और उस पूरी की पूरी ऑक्शन को मैन्युपुलेट कर दिया, कि मतलब उनके एजेंट्स ने, उनके सर्वेंट्स ने ही बड़ी हाई प्राइस बोल के उस जमींदारी को खरीद लिया। हकीकत में जमींदारी जमींदार की, राजा बुर्दवान की ही रह गई। और कंपनी की जो प्रॉब्लम थी कि उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, वो बैलेंस तो अभी भी अनपेड ही रह गया, क्योंकि जो ये एजेंट्स, ये तो सर्वेंट्स या एजेंट्स होते थे, इन लोगों के पास भी कहाँ से ही पैसे आएंगे, तो ये भी पे नहीं करते थे, और बैलेंस ऐसे का ऐसे ही रह जाता था। जो बाकी के, अब ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग नहीं हुआ करते थे, ऑक्शन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबके प्राइस को वो आउटबिड करते थे, सबसे ज्यादा प्राइस लगाया करते थे, और वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाया करती थी। और बाद में जब डिसाइड हो जाता था कि सपोज एजेंट का नाम है मिस्टर लाल, और मिस्टर लाल की अभी प्रॉपर्टी सोल्ड होगी, उन्होंने कह दिया सोल्ड, अब थोड़े टाइम बाद उसने क्या बोला कि उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो परचेज नहीं करना चाहता, मैं तो ये पैसे देना ही नहीं चाहता। तो क्या हुआ, फाइनली वो जमींदार की प्रॉपर्टी उसके पास की पास ही रह गई, और मनी भी पे नहीं करनी पड़ी। और यही तरीके से बार बार ऑक्शन होती रहती थी, और एट द एंड सबसे जो कम प्राइस में वापस से, जैसे सपोज राजा ऑफ बुर्दवान है, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता था, ऑक्शन होती रहती थी, बार बार होती थी, बार बार यही केस होता था, तो हार के जो जमींदार होते थे उन्हीं को उनकी जमीन कम प्राइस में दे देते कि जाओ तुम ही रख लो, क्योंकि हमें उनसे कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा ब्रिटिशर्स को। और जो फुल रेवेन्यू, एक्चुअल जो उन्होंने डिसाइड किया होता था रेवेन्यू, वो उन्हें कभी मिलता ही नहीं था, वो बैलेंस बढ़ता ही चला गया। और 1793 से 1801 के बीच में आप देखोगे कि बिग जमींदारीज, मतलब कि एक तो होता है कि जमींदार है, लेकिन कुछ जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी एस्टेट होती है, काफी बड़ा लैंड होता है, तो उसमें से एक राजा बुर्दवान भी थे, उन्होंने बेनामी परचेजेस की। बेनामी परचेजेस का मतलब क्या है, ऐसी परचेजेस हो रही हैं जो उन्होंने 30 लाख तक, एंड ऑफ द टोटल सेल ऑफ ऑक्शन का जो 15% था वो पूरा का पूरा फिक्टिशियस था, मतलब कि बस दिख रहा था कि परचेज हुई है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा था, बस सब दिखाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको वो रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स को देना है उससे बचना था, तो ये सारे वो तरीके यूज कर रहे थे। इसके अलावा एक और तरीका भी था, वो था डिसप्लेसमेंट। जो बाहर के लोग होते थे वो जब एस्टेट के लिए आते थे तो उनके एजेंट्स उन पे लाठियों से अटैक कर देते थे, क्योंकि कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट बोल दे और उसको मिल जाए एस्टेट, तो उन पे लाठियों से अटैक कर दिया जाता था, और वो लोग आ ही नहीं पाते थे ऑक्शन में। अब समटाइम्स ये भी होता था कि जो रायट्स होते थे, जो फार्मर्स हैं उनकी एंट्री भी, उनको भी मना किया जाता था, उनकी एंट्री भी नहीं होती थी, और वो लोग सोचते थे कि जो हमारे जमींदार हैं उनकी तरफ हमें लॉयल रहना चाहिए, तो उनकी अथॉरिटी है, हम उनके प्रजा है, हम उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो वो अगर उनके पास प्रॉपर्टी ऑक्शन में वो जाके फिक्टिशियस हो भी रही है, तो वो अल्टीमेटली उन जमींदार को ही अपना हेड मानते थे, उन्हीं की बात मानते थे। तो जमींदार की जमींदारी इतनी इजीली हटी नहीं, और ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे किया, तो जमींदार की जमींदारी भी बची रही, बस एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स को कुछ मिला नहीं जो उन्होंने प्राइजेस डिसाइड किए थे। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्राइजेस में डिप्रेशन आ गया, मतलब कि मार्केट में प्राइजेस चीजों के गिर गए, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रबल होने लगी, क्योंकि अब आपको रेवेन्यू पेमेंट नहीं हो रहा था, तो रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पेमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा,
तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया रूल्स को। अब ये बात कोई किसान को जमींदार क्यों बताएगा कि हमें ना ऊपर से ही उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, आपको थोड़ा कम रेवेन्यू देना है, ये बात आपको ब्रिटिशर्स ने बोली है। जमींदार ने ये बोला कि मैं कह रहा हूं कि तुम कम दे दो। तो धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ कि जमींदार की पावर फिर से बढ़ने लग गई। और जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया तो फाइनली ज्योतीदार जो थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा दिया, और कोलैप्स हुई किसकी पावर? जमींदार्स की पावर, और कंट्री साइड में ज्योतीदार्स की पावर बढ़ गई। फिफ्थ रिपोर्ट, जब ये सब कुछ चल रहा था तो ब्रिटिश ब्रिटेन में भी कुछ चल रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एक डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ रखा है। वो ये भी जानते थे कि जितना रेवेन्यू डिसाइड किया जा रहा है उतना तो ब्रिटिशर्स को मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी बातें जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। तो ये बातें ब्रिटेन भी पहुंच रही थी और वहां भी डिस्कस हो रही थी। तो जैसे एक रूलिंग होते हैं और एक ऑपोजिशन होता है, कि एक काम कर रहा है और एक उसको अपोज करेगा कि वो ऑपोजिशन का काम है, इसी तरीके से कुछ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी चल रहा था। उस डिस्कशन से एक रिपोर्ट जो थी वो थी फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट उसका नाम पड़ा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट बनी थी। वो रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी, प्रॉपर एक एक चीज को देखा गया था, और 1002 पेजेस की रिपोर्ट थी, जिसमें 800 पेजेस में तो वो पेटिशंस थी जमींदार की और किसानों की, जो वो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने जो पेटिशन लिखी थी वो सारी उस फिफ्थ रिपोर्ट में लिखी गई थी, और अलग अलग एरिया से उन्हें कलेक्ट किया गया था। रेवेन्यू किस तरीके का दिया जा रहा है, जस्टिस का सिस्टम क्या है बंगाल के एरिया में, मद्रास के एरिया में, मद्रास यानी कि आज के डेट का आप तमिलनाडु कह सकते हो, उसके ऑफिशियल्स में जो जो चीजें लिखी गई थी उन सब को मिला के ये फिफ्थ रिपोर्ट बनी थी। ठीक है, अब अगर आप कंपनी की स्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल की बात करो तो मिड 1760s में हर बात को जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत ध्यान से देखी जा रही थी, और उस पे इंग्लैंड में डिबेट्स भी हो रही थी, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली, जो वहां पे उनकी क्वीन ने हमेशा एक ना, ये बात याद रखना कि रॉयल चार्टर नाम की एक चीज है, जब आप ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे हो तो ये रॉयल चार्टर वहां पे आज भी क्वीन है, आपने अगर आपको पता हो तो, रॉयल चार्टर में उनको एक मोनोपली मिली थी, यानी कि उनको ये कहा गया था कि इंडिया और चाइना वाला जो एरिया है, ये जो एशिया का हिस्सा है, वहां पे सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही अपना ट्रेड करेगी, वही रूल करेगी, उसके अलावा और कोई कंपनी वहां नहीं आएगी, उनको रॉयल चार्टर मिला था। तो और जो बाकी की कंपनीज थी उनको पता था कि ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गोल्ड है, वहां पे सबको पता था कि यहाँ इतना ट्रेड होता है, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो वो चाहते थे कि हम भी ये प्रॉफिट अर्न करें, वो भी इंडिया आना चाहते थे, लेकिन रॉयल चार्टर के कारण वो मजबूर थे। तो रॉयल चार्टर ने कंपनी को मोनोपली दे रखी थी। अब प्राइवेट ट्रेडर्स चाहते थे कि इंडिया में वो भी अपना व्यापार करें, ब्रिटेन के लोगों को, उनको पता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उनको ये भी पता था कि जो बंगाल पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है उनसे उनको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वो ये जानते थे कि इससे सिर्फ कंपनी और उनके लोगों को फायदा हो रहा है, पूरे ब्रिटेन को फायदा नहीं हो रहा, और वो जानते थे कि जो कंपनी है वो अपने फायदे के लिए चीजें कर रही है, वो ग्रीडी है, वो करप्शन हो रहा है कंपनी में, करप्शन के तो बहुत से केसेस कंपनी के दिखे भी थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18th सेंचुरी में बहुत सारे एक्ट पास हुए जिन्होंने कहा कि जो कंपनी का रूल है इंडिया में
वो प्रॉपरली रेगुलेट होगा, मतलब अब उसको ध्यान दिया जाएगा और उस पर कंट्रोल रखा जाएगा। मतलब देखो कि सबसे नीचे रायत है, किसान है, उसके ऊपर एक जमींदार है, जमींदार के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट, या आप कह सकते हो क्वीन है। तो ऐसे करके एक हायरार्की है। तो उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान रखेंगे और पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा, और हम हर चीज पे चेक रखेंगे कि जो कंपनी किस तरीके से, क्या अफेयर्स हैं, वो किस तरीके से हर चीज कर रही है। जो फिफ्थ रिपोर्ट थी वो एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक सेलेक्टेड कमिटी ने प्रोड्यूस की थी। उन्होंने काफी सारे इकट्ठी की चीजें, और उसके बारे में बहुत डिबेट्स हुई थी कि जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही है वो एक सही नहीं है, लोग वहां के परेशान हैं ना, वो रेवेन्यू ठीक से ले पा रहे हैं। तो फिफ्थ रिपोर्ट ने ये आइडिया दिया कि जो रूरल बंगाल है 8th सेंचुरी में, उसकी क्या कॉन्सेप्शन थी, वहां पे एग्जैक्टली चल क्या रहा था, वो सब हमें फिफ्थ रिपोर्ट के थ्रू, हमें नहीं ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को पता चला। ये एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा भी गया, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी। अब ये रिपोर्ट्स क्यों लिखी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें नीड क्या थी इन रिपोर्ट्स को लिखने की। तो रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस फिफ्थ रिपोर्ट में दिखाए गए हैं वो अनक्रिटिकली के नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। जो फिफ्थ रिपोर्ट में जो एविडेंस हैं वो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते कि उसमें जो लिखा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो, उसकी बातों को बहुत ध्यान से अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको क्रिटिकली उस हर चीज को देखना पड़ेगा जो भी फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा है, आपको बहुत ध्यान से उसे एग्जामिन करना पड़ेगा कि बंगाल के जमींदार्स और जो लोकल रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या लिखा जा रहा है, कंपेयर करना पड़ेगा उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ कि यहाँ के लोकल जमींदार, यहाँ के लोकल रिकॉर्ड्स में क्या बातें लिखी जा रही थी और वहाँ ब्रिटिशर्स क्या लिख रहे थे। देखो साफ सीधी बात है, अगर मैं आपको ब्रिटेन का न्यूज़पेपर दिखाऊं और मैं आपको इंडिया का फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल के टाइम का न्यूज़पेपर दिखाऊं, तो इसमें अगर आप 1857 के इवेंट को देखो, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसको ब्रिटेन में बहुत ही बेकार तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और हमारी कंट्री में उसे ग्लोरी की तरह दिखाया जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो एक ही इंसिडेंट को ब्रिटेन अपनी नज़रों से न्यूज़पेपर में लिखेगा और इंडिया अपनी नज़रों से लिखेगा। तो इसीलिए जो लोकल रिकॉर्ड्स में लोग अपनी बात लिख रहे थे वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये हमें दिखता है कि जो माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, कंपनी जो ढंग से नहीं चीजें संभाल पा रही थी, वो सच था, ये हो रहा था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा गया था। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जो ट्रेडिशनल जमींदारी पावर थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, और इसमें ओवर एस्टिमेट किया गया था, और ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा ब्लेम जमींदार पे डाल दिया और खुद बच गए। फिफ्थ रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा था, जबकि हर बार जमींदार ही गलत नहीं था, ब्रिटिशर्स ने इतने हाई रेवेन्यू लगा रखे थे कि जमींदार भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिफ्थ रिपोर्ट में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया था, और उन्होंने कहा था कि जो ये जमींदार की ऑक्शन होती है, जमींदार वो ऑक्शन के बाद कभी वो डिस्प्लेस ही नहीं होते, एंड वो ऐसे मेथड्स अपनाते हैं जिनके कारण उनकी जमींदारी रिटेन हो जाए, बची रहे उनके पास। तो इस तरीके के कारण उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, जमींदार पे। उनकी पॉलिसीज बिल्कुल सही थी, उनके तरीके सही थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन सही कर रहे थे, वो तो सब कुछ सही कर रहे थे, गलत कौन थे, जमींदार गलत थे, हम तो बिल्कुल ठीक थे। तो वो खुद बच गए, और कौन गलत हो गए, जमींदार को गलत ठहरा दिया गया, हो एंड प्लो। अब ये दो जो हैं ये बेसिकली टूल्स की बात हो रही है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करो तो ये दो टूल्स यूज किए जाते हैं। हम बंगाल के एरिया की बात कर रहे हैं तो बंगाल का एरिया ड्रायर वेट लैंड्स ऑफ बंगाल से लेके जो ड्रायर रीजन है,
कुछ एरियाज में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था, और धीरे धीरे आपको वहाँ पे इकोनॉमी में एक्सपैंड दिखेगा। जो राजमहल हिल्स की एरिया है वहाँ पे लोग फॉरेस्ट्स में रह रहे थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे, कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट हो रही थी। तो हम अब हिल वाले एरिया, जो पहाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे क्या चल रहा था, कौन सी हिल्स की बात कर रहे हैं हम, राजमहल हिल्स की बात कर रहे हैं। तो अर्ली 19वीं सेंचुरी में एक बुचनन ट्रैवलर का नाम है ये, वो राजमहल हिल्स गए और उन्होंने राजमहल हिल्स को कहा कि ये इनपेनिट्रेबल है, ये जो पेड़, अब बहुत ज्यादा पेड़ घने हों और आप उनमें से घुस ही नहीं पा रहे, कि भाई ये ऐसी हिल्स हैं जो इनपेनिट्रेट है, आपको इनमें जाना बड़ा मुश्किल है और बहुत कम लोग यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ आना बहुत डेंजरस माना जाता था। और वो कहते कि यहाँ के लोग बहुत हॉस्टाइल हैं, मतलब वो बात ऑफिशियली बातों को नहीं मानते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब ये जिनकी बात कर रहे हैं, जितने डेंजरस थे, जो लोग ऑफिशियल्स की बात नहीं मानते थे, ये कौन थे? जहां बुचनन ने विजिट किया, उनके जर्नल से हमें पता चलता है कि ये 19वीं सेंचुरी में उनकी डायरी में, वो जहां पे विजिट कर रहे थे उन्होंने उसके बारे में लिखा, और पर हमें उनसे ज्यादा कोई आंसर्स मिल नहीं पाए। उन्होंने उस मोमेंट में बताया, लेकिन उनके लोगों की हिस्ट्री क्या थी वो हमें नहीं पता चल पाती बुचनन के रिकॉर्ड से। बुचनन ने सिर्फ मेंशन किया कि ये एक जगह थी हिल्स की, तो इसीलिए हिस्टोरियंस को रिकॉर्ड ढूंढने पड़े उस चीज के बारे में, और उन्होंने लेट 18वीं सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड ढूंढे तो उनको पता चला ये हिल फोक्स को पहाड़ियाज कहा जाता था। ये जो पहाड़ियाज थे, ये लोग कहाँ रहते थे, राजमहल हिल्स के अराउंड रहते थे। ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं का ही जो फॉरेस्ट में उग गया, जो फॉरेस्ट पेड़ पे लगा है या हनी है, ये वही सब खाते थे। शिफ्टिंग ये कल्टिवेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, जो एक लैंड को साफ किया, वहां पे क्रॉप्स ग्रो किए, फिर बाद में उसको बर्न करके दूसरी जगह चले गए। ये लोग पोटाश फ्रॉम ऐश, जो भी जलने के बाद वो ऐश होती है उसको डाल के, मतलब बेसिकली उस तरीके से कल्टीवेशन कर रहे थे, पल्सेस, दालें और मिलेट्स वगैरह ग्रो करके ये खाया करते थे। जमीन को स्क्रैच करके धीरे धीरे वो, ये टूल है, उससे कल्टीवेट करते थे, और फिर कुछ टाइम के बाद उस जगह को छोड़ के नई जगह पे, जो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेथड होता है, वो यूज किया करते थे। फॉरेस्ट में एक फ्लावर होता है महुआ, उसका ये लोग फूड बना के खाते थे। सिल्क, कुकून और रेजिन, ये सब वो बेचा करते थे। लक्कड़ चारकोल प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे, और काफी सारे, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, और जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा, कैटल वगैरह का पैश्चर कर लिया, पाल लिया करते थे, तो वो अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड अपनी लाइफ जीते थे और किसी से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे। अभी हमने पढ़ ही लिया कि हंटर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, खाना इकट्ठा किया करते थे, लक्कड़ से वुड चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म रेयरर्स थे, और मतलब उनका सारा का सारा कुछ फॉरेस्ट से कनेक्टेड था। कौन थे ये लोग? पहाड़ियाज थे। कहाँ पे? राजमहल हिल्स में। अब अगर हम देखें तो ये जो आउटसाइडर्स होते थे, जैसे बुचजन गए, ये उन लोगों को रेजिस्ट करते थे, इन्हें पसंद नहीं आता था। इनके चीफ्स थे, ये ट्राइबल्स के पूरे ग्रुप के एक लीडर कह लो, हेड कह लो, वो मेंटेन करते थे कि सारे के सारे ग्रुप में यूनिटी रहे, सब एक साथ रहें। अब एक जगह से दूसरी जगह भी सारे ग्रुप में इकट्ठे जाया करते थे, और कभी कभी एक ट्राइब की दूसरी ट्राइब से बैटल हो जाया करती थी, तो उन सब चीजों में भी ये चीफ ध्यान दिया करते थे। अब ये लोग तो पहाड़ों पे रहते थे, कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत विंटर्स हैं तो पेड़ों पे कुछ भी नहीं है और ज्यादा कोई एनिमल्स भी हंट नहीं हो रहे, तो ये लोग लैंड वाले एरिया पे रेड किया करते थे और वहां के प्रोड्यूस ले जाया करते थे। तो फिर धीरे धीरे जो लैंड वाले एरिया के हेड्स होते थे, वो इनको कुछ फिक्स अमाउंट पहले ही दे देते थे कि भाई तुम आके रेड मत करो, ऐसे हमारे घर वर मत तोड़ो फालतू में, हम तुम्हें डिसाइडेड एक अमाउंट दे दिया करेंगे। तो जब भी कभी स्कैर्सिटी पड़ती थी तो ये रेड करते थे, और जो सेटल्ड कम्युनिटी होती थी, और धीरे धीरे फिर बाद में नेगोशिएशन कर लिया और प्रोड्यूस बेचने भी लग गए ये लोग। और जो जमींदार होते थे उन्होंने कहा हम तुम्हें हर कुछ टाइम पे फिक्स चीजें देते रहा करेंगे,
पर तुम यहाँ पे आके से तोड़फोड़ मत किया करो। और जैसे कोई पहाड़ों से कोई ट्रेडर है, वो इस पहाड़ को क्रॉस करके उसने जाना है, तो ये सेफ एरिया नहीं है, तो ये लोग उनसे कुछ अमाउंट ले लेते थे और फिर इनको प्रोटेक्शन दिया करते थे इस पूरे एरिया में। तो ऐसे करके ये नेगोशिएट करते थे ऑफ पीस, एंड ये लोग भी अपनी लाइफ आराम से जिया करते थे। जब सेटल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में एक्सटेंड होने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया कि आप फॉरेस्ट को क्लीन कर दो, और सबको बोला कि जिस जिस जमीन पे अभी तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है, वहां पे चावल उगाना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हर जगह पे फार्मिंग शुरू कर दो, पेड़ों को भी काट दो, बस हर जगह पे एग्रीकल्चर करो और अब क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, फिर हम उनको बेचेंगे, इस्टेब्लिश करो सेटलमेंट्स हर जगह पे। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रहे हो, घूम रहे हो। पहले तो इंसान एक जगह पे सेटल नहीं होता था, ये तो धीरे धीरे सेटलमेंट हुई। तो सारे लोग को सेटल नहीं थे, कुछ अभी भी ऐसे थे जो सेटल नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं, सब सेटल हो जाओ और ऑर्डर सोसाइटी में रहो, हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, तो अब वो प्रिमिटिव तरीके से नहीं रहना। फॉरेस्ट के लोगों को उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े बैकवर्ड हो, प्रिमिटिव हो, और जंगलों को साफ करके अब तुम परमानेंटली एक ही जगह पे रहो, और तुम्हें किसी जानवर को नहीं मारना, बस प्लो से एग्रीकल्चर करना है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया। फॉरेस्ट और जो पैस्चर का एरिया था, अब क्या हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हिल फोक्स और सेटल्ड कल्टिवेटर्स। जो लोग एक जगह पे सेटल होना चाहते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, हम यही फॉरेस्ट को पूरा साफ कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट के लोग हैं, वो कहेंगे नहीं, फॉरेस्ट हमारा घर है, हम यहाँ पे सेटल नहीं होने देंगे। इसके कारण उनके सेटल एरिया में रेड्स बढ़ गई, उनके एरिया पे अटैक होने लगा, उनके फूड ग्रेन, उनकी कैटल, ये सब वो ले जाया करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि पहाड़िया को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक ब्रूटल पॉलिसी बनाई कि उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, हंटिंग करनी शुरू कर दी। और अगर आप कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स देखो तो उससे पता चलता है कि पहाड़िया चीफ्स को हर साल एक अमाउंट दिया जाने लगा, कि उन्हें कहा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, कि वो लोग प्रॉपर तमीज से रहें, वो लोग रेड ना करें, उसके लिए चीफ को कुछ अमाउंट दिया जाने लगा कि आप अपने लोगों को मेंटेन करके रखो, डिसिप्लिन में रखो। कुछ चीज होते थे जो ये अलाउंस लेने से मना कर देते थे, लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते थे उनको कम्युनिटी उनको अपना चीफ मानने से ही मना कर देती थी, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो फॉरेस्ट उनका घर थे, फॉरेस्ट को वो नहीं चाहते थे क्लियर हो। तो जो चीफ अलाउंस लेना शुरू करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट से, वो उनके चीफ उनका जो सपोर्ट होता था वो लूज कर देता था। अब पहाड़ियाँ क्या हुआ, धीरे धीरे जब जंगल साफ होने लग गए तो वो और ज्यादा घने आगे आगे के फॉरेस्ट में जाने लग गए, और वो लड़ाई करते रहे जितना टाइम उनके पास था कि हम अपने फॉरेस्ट बचाने के लिए। और उसी वक्त में जब ये सब चल रहा था, तब एक ट्रैवलर बुचनन विंटर के टाइम में वो उन हिल्स से, उन्होंने वहां पर उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो जब वो गए तो वहां के लोग ऑब्वियसली उनको लेके सस्पिशियस थे कि पता नहीं अब ये कौन है, और उनको कोई ट्रस्ट नहीं था क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा था, उनकी मेमोरीज इतनी ज्यादा कड़वी थी, उनको ब्रूटली मारा जा रहा था। तो इसीलिए जो भी वाइट मैन आता था, वो उनको लगता था कि उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, उनसे कुछ छीन लेगा, उनका फॉरेस्ट छीन लेगा। एंड नए नए डेंजर्स आने लग गए। संथाल्स को उस एरिया को साफ करना, वहां की लकड़ को काटना और लैंड पे अलग अलग चीजें उगाने का काम दे दिया गया। लोअर हिल्स, जैसे ये पहाड़ का एरिया, अब इसकी जो लोअर हिल्स का एरिया, यहाँ पे संथाल कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है, पहाड़ियाज की बात हो रही थी, वो तो घने घने जंगल में आगे जा रहे हैं। संथाल्स वो हैं जो एग्री कर गए कि ठीक है हम सेटल्ड होके रहेंगे। तो संथाल सेटलर्स ने पहाड़िया वाला पूरा एरिया जो राजमहल हिल्स का था उसको टेक ओवर कर लिया। पहाड़िया लोगों की जो लाइफ थी वो सिंबलाइज होती थी वो कल्टीवेशन से, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ये लोग सेटल नहीं होते थे। तो इसीलिए ये एक बहुत लॉन्ग बैटल थी बिटवीन हो एंड द प्लो। तो अब आप समझ सकते हो कि जो चैप्टर की हेडिंग थी हो एंड द प्लो वो क्यों थी। तो पहले हम पहाड़ियाज की बात कर रहे थे, वो तो जंगल में और डेंस फॉरेस्ट में जाते गए,
अब दूसरी एक जो कम्युनिटी आई जो एग्री कर गए कि ठीक है हम सेटल हो जाएंगे, वो थे संताल्स। और वो राजमहल हिल्स की फुट हिल्स में धीरे धीरे प्लो से एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो हो कल्टीवेशन थी वो पहाड़ियाज को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया और इन्होंने राइस और ये सारे प्रोड्यूस को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब संथाल की जो सेटलमेंट थी उसके बारे में हम अगली वीडियो में यहाँ से बात करेंगे। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और लास्ट हेडिंग जो हमने डिस्कस की थी वो थी द हो एंड द प्लो। तो इस पूरे हेडिंग के एंड में हमने इसका कंक्लूजन समझा था कि आखिर इस हेडिंग का मतलब था क्या। तो एक बार मैं इस पॉइंट को फिर से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आगे अब सारे पार्ट में इसका रिलेशन तो होने ही वाला है। तो हम बात कर रहे थे राजमहल हिल्स की और हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सब सेटल हो जाए, क्योंकि जब सब एक जगह पे सेटल होंगे तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे या एनिमल्स को पालेंगे तो उनको कुछ फिक्स रेवेन्यू मिलेगा। अब कोई ऐसा है जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता रहता है तो आप उससे कैसे कोई रेवेन्यू मांग सकते हो? वो आपको कभी भी रेवेन्यू नहीं देगा। तो इसमें हमने राजमहल हिल्स की बात करनी शुरू की थी और एक ट्रैवलर बुचन ने बताया था। तो फिर यहाँ पे एक जो ट्राइब के बारे में हमें पता चला था वो थी पहाड़ियाज। पहाड़ियाज बेसिकली वो लोग थे जिनका एक चीफ होता था, जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता था वो उसको खाया करते थे। कभी कभी वो जो लैंड पे एरिया होता था वहाँ पे अटैक किया करते थे और वहाँ का प्रोड्यूस लिया करते थे, क्योंकि इनके फॉरेस्ट में विंटर सीजन में जैसे ज़्यादा कुछ नहीं इनको मिल रहा खाने को। तो उस केस में तो ये एक ट्राइब रहा करती थी। तो ये कहीं कहीं पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। मतलब क्या है उसका कि एक लैंड पे कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोड्यूस किया, फिर वहाँ को बर्न कर दिया, फिर दूसरी जगह पे चले गए। ऐसे करके ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये लोग उसके लिए हो टूल यूज किया करते थे। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया, ब्रूटल पॉलिसी शुरू कर दी इनको मारने की। और एक दूसरी कम्युनिटी उभर के आई, वो थी संथल कम्युनिटी। अब संथल कम्युनिटी पहाड़िया कम्युनिटी से अलग थी। कैसे अलग थी? क्योंकि ये जो थे ये फॉरेस्ट में अभी भी सेटल नहीं होना चाहते थे, लेकिन संथल जो थे ये परमानेंटली सेटल हो गए थे। तो इनका जो टूल था वो था हो और जो इनका था वो था प्लो। तो वो जो प्लो एंड हो की हेडिंग थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। अब पहाड़ियाज तो डीप और फॉरेस्ट्स में आगे आगे जाते रहे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो ये संथल्स थे ये सेटल होने लग गए। इन्होंने प्लो करना शुरू किया लैंड को, ये एक जगह पे रहने लग गए। तो अब उन सेटलर्स की जो ये लास्ट की लाइन थी जब मैंने आपको कहा था द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज द लॉन्ग वन, क्योंकि हो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? पहाड़ियास। और प्लो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? संथल्स। तो इनके बीच में जो बैटल थी वो बेसिकली इनके बीच में नहीं थी, वो थी कि ये अपनी फ्रीडम चाहते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर रहे हैं और इन्होंने ब्रिटिशर्स की बात को एक्सेप्ट कर लिया था और ये एक जगह पे रुक के रहने लग गए थे। अब हम इन्हीं संथल्स जिनका मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है इनका अब हम बात करने वाले हैं, एंड ये कम्युनिटी के बारे में अब इसमें पूरी डिस्कशन होगी, इसीलिए मैंने ऊपर का थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम द संथल्स पायनियर सेटलर्स।
अब हमें इतना तो समझ आ गया कि ये लोग सेटल हो रहे थे, प्लो का यूज कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए। ये पूरी कहानी में हम एक ब्रीफ अकाउंट बुचनैनिक ट्रैवलर का देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कहानी, इनके जो ट्रैवल में लिखा है, वो हमें ज्यादा नहीं बता पाता, तो हम उनका रेफरेंस लेने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के पास भी जाएंगे बीच बीच। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि इन्होंने बोला पहाड़िया जो राजमहल हिल्स पे ट्राइब रहती है, वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। इन्होंने तो बस यही लिखा, लेकिन हिस्टोरियंस ने पीछे जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखा तो उनको पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स इनको मार रहे थे ब्रूटली। तो इसीलिए ये लोग किसी भी वाइट ब्रिटिश को देख के डरते थे कि कहीं ये इनको मारने तो नहीं आए हैं, पता नहीं अब इनकी क्या पॉलिसी होगी। तो ये बातें हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चली। तो अब हम 1810 में देखते हैं कि जब बुचिन ने गंजूरिया पहाड़ उसको क्रॉस किया, ये भी राजमहल रेंज, रेंज का क्या मतलब होता है, एक सीरीज ऑफ बहुत सारे पहाड़, ठीक है। उनमें से एक रेंज का एक एरिया था गंजूरिया पहाड़, उनको जब वो क्रॉस कर रहे थे और वहां पे वो एक विलेज में पहुंचे, वो एक बहुत पुरानी विलेज थी, बट जो लैंड था वो बहुत रिसेंटली क्लियर किया गया था, कि मतलब वहां पे पहाड़ होंगे, लैंड रिसेंटली क्लियर किया गया था, मतलब वहां पे उस लैंड में क्या पता पहाड़ पेड़ हो सकते हैं, या मे बी हार्वेस्ट के लिए अभी लैंड रिसेंटली क्लियर किया गया है। तो बुचन ने ये बोला कि वो एरिया प्रॉपरली ह्यूमन लेबर की एप्लीकेशन हो रही है। कहाँ पे, ये किस एरिया की बात कर रहे हैं, ये गंजूड़िया पहाड़ वाले एरिया की बात की उन्होंने। उन्होंने ये लिखा कि यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है और ये दिखाया जा रहा है कि ये कितनी ग्लोरियस कंट्री हो सकती थी, दिस माइट बी मेड, बनाई जा सकती है। वो क्या कह रहे हैं, अभी नहीं है लेकिन वक्त के साथ हम इसे बना सकते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि जो सॉइल है वो रॉकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है माउंटेनियस एरिया है, लेकिन फिर भी अनकॉमनली फाइन है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे फाइन टोबैको और मस्टर्ड मिला, और इन्होंने डिस्कवर्ड कि जो कल्टीवेशन है ये कौन कर रहा था, संथल्स कर रहे थे। वो इस एरिया में 1800 में आए और 1810 के एंड में बुचन यहाँ आए, यानी कि वो यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे थे, और वो फॉरेस्ट को साफ कर रहे थे और लैंड पे रहना शुरू कर दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहाड़िया लोग तो पहले से रह रहे थे यहाँ, लेकिन ये संथल्स कहाँ से आए? तो ये आए बंगाल वाले एरिया से 1780s में। आप ऑर्डर देखो, 1780s में ये लोग राजमहल हिल्स आए, 1800 में इन लोगों ने लैंड पे सेटल होना शुरू किया, और 1810 के एंड में बुचन ने यहाँ के रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा है, वो यहाँ उस वक्त में आए थे। माना जाता है कि ये लोग बंगाल से आए और 1780s में इस एरिया में आए। जमींदार्स ने हायर्ड किनको, इन संथल्स को, और उन्होंने इस लैंड को एक्सपैंड करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने इनवाइट किया इन लोगों को कि आप सेटल हो जाओ, ताकि जंगल महल, ताकि ये जो एरिया है, तुम यहाँ पे सेटल हो गए तो तुम इस जंगल को क्लीन करोगे, तो तुम क्लीन भी करो और यहाँ रहो भी, क्योंकि ये लोग पहाड़ियाज को तो समझा नहीं पाए थे कि तुम सेटल हो, वो तो अभी भी अपनी फ्रीडम चाहते थे एक जगह से दूसरी जगह की। ट्रांसफॉर्म डेम इंटू सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, वो कर नहीं पाए थे, वो फेल हो गए थे उस चीज में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पहाड़ियाज को तो मना नहीं पाए, तो हम उनको मार देंगे और संथल्स को हम सेटल कर देंगे, क्योंकि पहाड़ियाज ने मना कर दिया था कि हम प्लो को टच नहीं करेंगे और हम ना फॉरेस्ट को काटेंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन है। संथल्स बाय कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी द आइडियल सेटलर्स, उन लोगों ने एग्री किया कि ठीक है हम रहेंगे, हम फॉरेस्ट को क्लीन भी करेंगे, हम प्लो भी करेंगे लैंड को। तो संथल्स को जमीन दे दी गई राजमहल हिल्स की, कब, बाय 1832। एक बहुत बड़ा एरिया को डीमार्केट किया गया एज दामिन ईको।
ये जगह क्या थी, ये एरिया वो था जो डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये संथल्स का लैंड है और वहीं रहेंगे और प्लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लोग अब बेसिकली सेटल्ड फार्मर्स या सेटल्ड पेजेंट्स हो गए थे अब, ठीक है, अनलाइक पहाड़ियाज। और इन लोगों को लैंड ग्रांट पे दी गई थी। संथल्स जो कि 1/10 ऑफ द एरिया पे धीरे धीरे क्लियर कर रहे थे फर्स्ट 10 ईयर्स में, धीरे धीरे इन्होंने बहुत बड़ा एरिया क्लियर करना शुरू कर दिया। जब दामिनी कोहो, ये पूरा एरिया जो संथल्स को मिला था, डीमार्केट हो गया, धीरे धीरे संथल विलेज 40 संथल विलेजेस से बढ़ के 1,473 विलेजेस हो गई। मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई। और ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अब ये लोग परमानेंटली रह रहे थे, तो इन लोगों से रेवेन्यू भी आएगा, क्योंकि ये लोग एक जगह पे रहेंगे तो यहाँ पे लैंड क्लियर करके एग्रीकल्चर करेंगे, तो उनका रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को भी मिल रहा था। संथल का एक मिथ था एंड सॉन्ग जो 19th सेंचुरी में फ्रीक्वेंटली लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, जो उन्होंने बंगाल से कैसे वो आए, वो पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली टायरलेसली सर्च कर रहे थे वो एक जगह को जहाँ पे वो सेटल हो सके। और फिर उनकी जर्नी कहाँ खत्म हुई, इस लैंड पे जो ब्रिटिशर्स ने उनको दिया सेटल होने के लिए। तो ऐसे करके वो अपनी पूरी स्टोरी सॉन्ग्स गाया करते थे। संथल्स राजमहल हिल्स में सेटल हो गए, पर पहाड़ियाज ने मना कर दिया कि वो और डीप हिल्स में चले गए। उन्होंने कहा हम नहीं सेटल होंगे। और क्योंकि अब आप इस एरिया में, सपोज ये हिल है, अब हिल्स में यहाँ पे अब संथल्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो परमानेंटली रह रहे हैं, तो इस एरिया में पहाड़ियाज नहीं आ सकते थे, ये लैंड अब उनका हो गया। तो धीरे धीरे अब जो पहाड़ियाज थे वो बेचारों को, अब जो डीप गहरे और ऊंचे एरियाज में जहाँ पे और ज्यादा गहरे जंगल हैं, वो वहीं पे जाके रह रहे थे। ड्राई इंटीरियर जहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बैरन एरिया है, वो वहीं अपनी लाइफ बहुत मुश्किल से इम्पावरिश तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होके उसी तरीके से रहने की कोशिश कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द जो फर्टाइल लैंड था, क्योंकि आप जितना ज्यादा डेंस आप हाइट पे जा रहे हो या बैरन एरिया में आ रहे हो, तो वहां का लैंड फर्टाइल नहीं है। तो धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड था वो इनएक्सेसिबल हो गया, क्योंकि वो दामिन जो कि संथल्स का पार्ट है उसका पार्ट बन गया। और पहाड़ियाज को कुछ भी अच्छी चीजों से, मतलब वो कल्टीवेशन कर ही नहीं पा रहे थे। फॉरेस्ट का सारा एरिया साफ होने लग गया, तो हंटर्स को भी प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि जब फॉरेस्ट नहीं है तो एनिमल्स को वो कहाँ से हंट करेंगे, तो हंटर्स को भी दिक्कत होने लग गई। और फिर धीरे धीरे संथल्स गेव अप देयर अर्ली लाइफ, क्योंकि पहले संथल्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन जब उनको एक लैंड मिल गया तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइफ को, ट्रैवल वाली को छोड़ के, एक फिक्स जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया। लेकिन संथल्स को जल्द ही ये बात रियलाइज हुई कि जो उनको लग रहा है कि उनका लैंड है, वो हकीकत में उनका है ही नहीं। उन पे टैक्स लगाया जा रहा है, मनी लेंडर्स उनके ऊपर लोन्स लगाते हैं जिन पे उनको इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनकी सारी लैंड डेट में है, कर्जे में डूबे हैं वो लोग अनपेड, और जमींदार का सारा कंट्रोल है उनके एरिया पे। तो हकीकत में वो दामिन वाला लैंड जो उनको लग रहा था कि उनका है, वो हकीकत में उनका था ही नहीं। और 1580s तक उनको, संथल्स को फेल्ट हुआ कि अब हमें जमींदार्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ेगा, जो मनी लेंडर्स हैं या जो कॉलोनियल स्टेट है जो हमसे टैक्स ले रही है, हमसे इतना ज्यादा लोन पे इंटरेस्ट ले रही है, हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। तो संथल रिवोल्ट हुआ ये 1855 से 56 के बीच में, और ऑब्वियसली इसको कुचल दिया गया और स्पेशल लॉज लगा दिए गए इनके ऊपर। और बहुत, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आगे ये लोग तो हार गए, लेकिन इन लोगों की भी एक अपनी एक स्ट्रगल शुरू हुई वहां से, कि इनको एहसास हुआ कि इनको इनकी जमीन इनकी है ही नहीं। जब हम बुचन के अकाउंट्स देखते हैं तो उनके अकाउंट्स में हमें ये पता चलता है, पर उनके अकाउंट से हमें ये सब बातें पता चलती हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखते हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखी, क्योंकि उसकी जो जर्नी थी
वो सिर्फ वो बता रहे थे कि उन्होंने क्या चीजें ऐसी देखी जो उनके लिए अननोन थी। जहां जहां वो गए वहां उनके साथ एक आर्मी होती थी, सर्वे करने वाले लोग होते थे, पैलक्यूविन मतलब कि जो पालकी में लोग कैरी करते हैं ना वो हुआ करते थे। तो द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल, जो ये सब वो ट्रैवल कर रहे थे बुचन, वो कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारा खर्चा देना होता था, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन वो उनके लिए ही कलेक्ट कर रहे थे। उनको स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो जो भी देखें उन सब चीजों को वो रिकॉर्ड करें। जब वो विलेज में आए तो उनके साथ आर्मी थी, तो इसीलिए एकदम से लोगों को लगा कि ये एजेंट हैं ब्रिटिशर्स के। और जब आपके साथ आर्मी चल रही है, आपके इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी फ्रेंडली वे में उनसे बात करने जरूरी नहीं समझी। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे मिलते थे, चाहे इवन जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट थे, हर अच्छी चीज जो नेचर में मिल रही थी उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको खराब करना शुरू कर दिया। सर्वे में ये पता चला कि कितना लैंडस्केप है, उसमें कितना हमें पैसे मिल सकते हैं, हर चीज को डिस्कवर करना शुरू किया गया। उनके साथ जियोलॉजिस्ट्स और ज्योग्राफर्स, बॉटनिस्ट, मेडिकल मैन, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। बुचन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वर थे, वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने स्टोन्स, रॉक्स, हर चीज जो वहाँ सॉयल से लेके कैसे लोग रह रहे थे, मिनरल्स, पत्थर, हर चीज को अच्छे से रिकॉर्ड किया। उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि कहाँ पे आयरन ओर हो सकता है, माइका, ग्रेनाइट, हर चीज जो उनको लगा, मिनरल से लेके लेयर ऑफ सॉयल, सबको उन्होंने केयरफुली, सॉल्ट मेकिंग, आयरन ओर माइनिंग, लोकल प्रैक्टिसेस क्या थी, लोग किस तरीके से सॉल्ट बना रहे थे, आयरन और माइनिंग, आयरन सब भी था, उसकी माइनिंग आखिर वो किस तरीके से रही थी, वो सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने हर बात को रिजर्व ऑब्जर्व किया। और जो पूरा लैंडस्केप था उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, सिर्फ देखा नहीं, पूरा डिस्क्राइब किया। और उन्होंने बताया कि कैसे इसको हम चेंज करके प्रोडक्टिव कर सकते हैं, मतलब अपने बेनिफिट के लिए इस जमीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किन ट्रीज को आप कट डाउन कर दो और किन को ग्रो करना चाहिए। उसका जो बच्चन का विजन था या प्रायोरिटी थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो किसके पॉइंट से सोच रहे थे, ब्रिटिश के पॉइंट से। वो यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से नहीं सोच रहे थे। लोकल इंसान चाहेगा कि यहाँ का नेचर ग्रो करे, लेकिन उनका था कि उनको कैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू मिल सकता है। उनकी सोच ब्रिटिशर्स के तरीके से थी, और वो उसी कॉमर्स कंसर्न जो कंपनी का था, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न नोशन को, वो बस वही चीज देख रहे थे। वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में लोग अपनी लाइफ जीते थे, उसको लेके बहुत क्रिटिकल थे। उनको लगता था कि ये जो फॉरेस्ट में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इनको एग्रीकल्चरल हो जाना चाहिए, इनको सेटल हो जाना चाहिए एक जगह पे, जबकि जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे थे वो फॉरेस्ट की एक एक चीज को प्रे करते थे, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो नेचर की कोई भी चीज है, और वो उसको बहुत ध्यान से रखते थे, वो कभी उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने, तो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो जंगल में लोग रह रहे हैं, उनसे ब्रिटिशर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनको हमें सेटल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब ये तो पूरा एरिया हमने राजमहल हिल्स का पढ़ा। अब इसके बाद अब हम बॉम्बे दक्कन वाला जो एरिया है, अब हम उसमें चलते हैं कि कैसे वहां भी रिवोल्ट हुआ। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज बहुत ज्यादा हार्श थी और अगेंस्ट थी जो यहाँ के लोकल लोग थे। तो जहां भी पॉलिसी शुरू हुई, शायद शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि इनके इनसे हमें भी कोई बेनिफिट होगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द जमींदार से लेके पेजेंट्स तक, सब ही ब्रिटिशर्स से नाखुश थे। जमींदार की पावर जा रही थी, तो पेजेंट्स के ऊपर ना जाने कितना टैक्स और रेवेन्यू उनको देना पड़ रहा था। तो अब हम बॉम्बे दक्कन वाला एरिया इस थर्ड सब हेडिंग में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब तक के लिए जो भी हमने पढ़ा, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ ट्राइब्स के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे सबसे पहले एक स्टोरी से शुरू हुआ था जो कि एक ऑक्शन हो रही थी, और हमने देखा कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट में वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि उन लोगों को परमानेंट रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर हमने पहाड़िया राजमहल हिल्स पे पहाड़िया और संथल ट्राइब्स, इन दोनों के बारे में देखा। अब हम द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, अब हम बॉम्बे दक्कन, इससे पहले हमने बंगाल के एरिया की बात किया थी जिसमें हमने ज्योतिदार्स की बात की थी, फिफ्थ रिपोर्ट की बात की। अब हम बॉम्बे दक्कन इस कंट्री साइड इस एरिया की बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कॉन्टेंट को प्रिपेयर करने का। तो ये आपको यहीं पर दोबारा से बता ही रहा है कि हमने जो किसानों की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, जमींदार्स, क्योंकि उन्होंने सोचा था ब्रिटिशर्स ने कि ये अगर ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे रायत या पेजेंट्स हैं तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट होना चाहिए जो यहाँ से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करे और हमें दे दे, तो उसके लिए रखा गया जमींदार को। तो ऐसे करके हमने जमींदार्स का क्या रोल था, और फिर हमने पहाड़िया ट्राइब जो कि सेटल नहीं होना चाहती थी, वो फॉरेस्ट में ही रहना चाहती थी, और जो संथल ट्राइब थी उन्होंने एग्री किया कि हम सेटल होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके तो लैंड उनके हैं ही नहीं, जो ज़मींदार हैं वो उन पे टैक्स लगा रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी उन पे टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने रिवोल्ट किया लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस कर दिया, वो हार गए, और ये पूरी राजमहल हिल्स की हमने कहानी देखी थी। अब हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ जा रहे हैं जो कि बॉम्बे दक्कन का एरिया है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। अब अगर हम ये देखें कि जो पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, रिवोल्ट का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जो उनको परेशान कर रही होगी जिसके कारण वो गुस्सा होंगे, उनको परेशानी हो रही है, तभी कोई रिवोल्ट करेगा, ऐसे तो कोई रिवोल्ट करता नहीं है। तो सच क्लाइमेटिक टाइम्स रिबेल क्या कर रहा था, वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे थे, वो जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था, जो वो लोग सफ़र कर रहे थे उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो रहे थे। अगर हम उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड्स को देखा है जिससे हमें पता चलता है कि आखिर ये क्या परेशानी हो रही थी, क्यों ये रिवोल्ट्स हो रहे थे। तो रिबेल्स जो हो रहे थे उनको एंड कीन ऑन रिस्टोरिंग ऑर्डर, जो कि बार बार रिबेल्स हो रहे थे तो अथॉरिटीज यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश स्टेट थी, वो क्या चाहती थी कि ऑर्डर हो जाए, वापस से एक हर चीज़ लाइन एंड ऑर्डर्स में आ जाए, जैसे हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चले। क्योंकि जब रिबेल हो रहा है, रिबेल मतलब विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, तो यानी कि आपकी बात लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो सब ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ब्रिटिशर्स या जो मेन स्टेट थी वो यही चाहती थी, और वो लोग रिबेलियन नहीं चाहते होते थे। अब उन्होंने उनको सप्रेस भी किया और काफ़ी सारी नई पॉलिसीज भी ऐसी लाई जिनसे वो दोबारा कभी रिवोल्ट कर ही ना सके। जैसे आपने पहाड़ियाज के केस में देखा था हमने कि पहाड़ियाज ने जब इनकी बात नहीं मानी सेटल होने की, तो ना ही सिर्फ इन्होंने उनको उनके लैंड को संथल्स को दे दिया था, बल्कि इनको मारना भी शुरू कर दिया था। तो
वो लोग इस तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस करते थे कि ना ही सिर्फ सप्रेस हो पर वो दोबारा रिवोल्ट हो भी ना सके। अब 19th सेंचुरी में बहुत सारी जगहों पे इंडिया की जो किसान थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? क्योंकि जो जमींदार थे या जो लोग उनको पैसे देते थे, मनी लेंडर्स होते थे, जैसे ये ग्रेन डीलर्स हैं, ये लोग इन लोगों को लोन देते थे और इतना हाई इंटरेस्ट लेते थे इन लोगों से, इतने ज़्यादा इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था और इसके कारण वो रिवोल्ट हो रहा था। इसमें से एक रिवोल्ट 1875 में हुआ दक्कन के एरिया में। इस एरिया में जब रिवोल्ट हुआ तो अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड, ये हेडिंग है। बेसिकली जो भी बही जो खाता होता है जिसमें रिकॉर्ड लिखा जाता है कि ये मिस्टर ए हैं, इनको इन्होंने इस तारीख इस डेट को इतने पैसे लिए थे, इस तारीख को इतने दिए, तो इनको टोटल अब इतना अमाउंट देना है। तो ऐसे करके हर के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, तो उन रिकॉर्ड्स को जला दिया गया था। लेकिन ये जो 1875 की मूवमेंट थी ये शुरू कैसे हुई पहले हम वो समझते हैं। बिगेन एट सूपा, ये गांव है पुणे का। पुणे कहाँ है? आज की डेट में महाराष्ट्र में आता है, वहां के एरिया में ये शुरू हुआ। ठीक है, अब कहाँ पे शुरू हुआ? मार्केट के सेंटर में, जहाँ पे शॉपकीपर्स होते थे, मनी लेंडर जब मनी को उधार पे देते हैं वो सब मार्केट के सेंटर के एरिया में रहा करते थे, वहां से ये रिवोल्ट शुरू हुआ। 12th में, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप अगर नहीं भी याद रहोगे बस ये याद रखना कि सबसे पहला इवेंट क्या हुआ कि जो वहां के किसान थे उन्होंने सारे शॉपकीपर्स को इकट्ठा कर लिया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। रूरल एरिया में, जो गांव का एरिया था, वहां पे जो भी शॉपकीपर्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनको इकट्ठा कर लिया गया, उनको घेर लिया गया और उनको अटैक किया गया और उनसे बोला अपने बही खाते, यानी कि जो इनके अकाउंट्स, मैंने आपको बताया ना इस तरीके के अकाउंट्स लिखे हैं, उनसे बोला हमें वो अकाउंट्स दे दो। उनके खाते को जलाने लग गए और जो जैसे ग्रेन्स की शॉप्स हैं, जैसे ग्रेन डीलर्स हैं या जहाँ पे भी मार्केट में शॉप्स में ग्रेन पड़ा है, अनाज पड़ा है, उनको लूटा गया। और कुछ कुछ जगहों पे तो साहूकार, साहूकार भी आप मनी लेंडर्स कह सकते हो, जो मनी लोन देते हैं और बाद में हैवी इंटरेस्ट लिया करते थे, उनके घरों को भी जला दिया गया। तो सबसे पहले इंसिडेंट्स, ये डेट भले ही अगर आपको नहीं भी याद रहा है, आपको सिर्फ 1875 भी याद रहे तो भी आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ। सूपा से शुरू हुआ जो कि पूना में एक विलेज थी, वहां से क्या हो रहा है, मनी लेंडर्स और जो भी शॉपकीपर्स हैं उनके सारे के सारे जो उनसे बही खाते मांगे जा रहे हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और उनके बही खातों को जलाया जा रहा है और कहीं कहीं पे तो घरों को भी जलाया गया। अब ये रिवोल्ट शुरू कहाँ हुआ? पुणे में शुरू हुआ है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये स्प्रेड हुआ अहमदनगर तक। पुणे के एक विलेज सूपा से शुरू हुआ और वहां से स्प्रेड होते होते ये अहमदनगर तक चला गया। अगले 2 महीने तक ये 6,500 स्क्वायर किलोमीटर तक, मतलब सोचो ये एक विलेज से दूसरी विलेज से तीसरी विलेज, ऐसे ये बात स्प्रेड होती गई कि इस तरीके से वहां के लोगों ने मिलके वही खाते जला दिए हैं और ये चीज बाकी के विलेजेस में भी फॉलो होने लग गई। मोर देन 30 विलेजेस वर अफेक्टेड। सोच सकते हो ये धीरे धीरे कितनी बड़ी चीज बनने लग गई कि 30 विलेजेस में ऐसा हुआ और हर जगह पे यही सेम पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? कि जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनको अटैक किया जा रहा था, उनकी जो बुक्स थी उनको जलाया जा रहा था और जो भी बॉन्ड था, डेट का बॉन्ड होता है ना कि आपको मुझे, या आपने मुझसे सपोज 1 लाख रुपीज लिए तो आपको मुझे ये 5 साल में या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में आपको हमें ये झुकाने हैं, या डेट होता है उनके ऊपर, कर्जा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, एक लोन चढ़ा हुआ है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है बही खातों में, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। पेजेंट्स ने उन पर अटैक किया और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो लोग इतना डर गए कि उन्होंने सब प्रॉपर्टी विलेज में छोड़ के वो लोग भाग गए। ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ तो ऑफिशियल्स जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1857 में पुलिस को पोस्ट किया। अब पुलिस क्या है? पुलिस के पास तो पावर है, जितनी पावर एक पुलिस के पास है उतनी पावर एक किसान के पास तो नहीं है। पावर से मेरा मतलब है कि वो उनको, उनके पास उनको मार लाठी चार्ज कर सकते हैं उनके ऊपर, उनके पास तो वेपन्स भी हैं, वो उनके पास गन्स होंगी, ट्रूप्स होंगी, वो एक नॉर्मल विलेजर के पास तो नहीं होंगी। तो वो डर गए विलेजेस में और उन लोगों ने पेजेंट्स इनटू सबमिशन, वो लोगों ने फिर वहां पे
हार गए और उन्होंने सबमिट कर दिया। तो 951 पीपल को अरेस्ट किया गया और सेवरल मंथ्स तक ये चीज करने के बाद फिर फाइनली पूरा वो एरिया जो वो 30 विलेजेस के आसपास का एरिया था, पुणे से लेके अहमदनगर तक महाराष्ट्र के, उसमें वो फाइनली पूरा कंट्रोल में आ गया। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं रिवोल्ट कर रहे थे वो लोग, वो रिवोल्ट कर रहे थे मनी लेंडर साहूकार्स के अगेंस्ट। अब न्यू रेवेन्यू सिस्टम, अब जब देखा गया कि भाई वो बॉन्ड्स डीड्स जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों बर्न कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब उनको चीजें समझ आई, उन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट वाला तो रेवेन्यू सिस्टम फेल हो गया था, ऑक्शन उन्होंने कहा था हम कर देंगे, वो कुछ भी नहीं चला। अब बंगाल वाले सिस्टम को अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में इम्पोज करने का न्यू सिस्टम लाया गया फ्रॉम बंगाल से, क्योंकि पहले सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे शुरू हुआ, बंगाल में ब्रिटिशर्स का। धीरे धीरे वो दूसरे एरियाज में स्प्रेड होने लगा, तो जब दूसरे एरियाज में स्प्रेड हुआ तब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लगाई थी वो बाकी के एरियाज में इम्पोज नहीं की, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं थी, तो वो रेयरली एक्सटेंड हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू रेवेन्यू सिस्टम क्या था, तो आपने अपने क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन लाइन देना कि जो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स रूल एक्सपैंड होने लगा ब्रिटिश का, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बहुत रेयरली एक्सटेंड की। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों रेयरली एक्सटेंड की, तो उसका आंसर अब आपको, आपको पहले भी पता है कि ऑक्शन में उन लोगों को वो फिक्टिशियस होती थी, हकीकत में जमींदार ही उनका ओनर रहता था, और जो फिक्स रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू उतना स्टेट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना मिल ही नहीं पाता था, तो वो लॉस में ही रहते थे, वो बैलेंस वैसे का वैसे ही रहता था। एक रीजन तो वो था। दूसरा रीजन आप कह सकते हो कि 1810 के बाद एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ गए, ये एक नई चीज है, क्योंकि जब तक हम 1800 से 1810 की बात कर रहे थे या 1700 की बात कर रहे हैं, तब फेमाइन आ रहा था, तब भूखमरी हो गई थी, मार्केट में प्राइस बहुत कम मिल रहा था, उससे भी जितना वो परमानेंट में फिक्स कर सकते थे ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया। लेकिन 1810 के बाद तो प्राइस बढ़ने लग गए, और क्योंकि अगर परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स कर दिया जाएगा तो ब्रिटिशर्स चाहे पेजेंट्स को, किसानों को कितना ही फायदा हो, ब्रिटिशर्स उनसे एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते क्योंकि उन्होंने फिक्स कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब बंगाल के केस में जो मुपर पड़ रहे थे, अगर मार्केट में पहले कोई चीज 10 रुपीज की मिल रही थी तो उसकी वैल्यू घट गई थी, उसकी वैल्यू 6 रुपीज या 5 रुपीज तक पहुंच गई थी, तो ये बात ब्रिटिशर्स को दिख रही थी कि पेजेंट्स को उतना अमाउंट मार्केट में मिल ही नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने फिक्स क्या किया, उन्होंने फिक्स थोड़ा कम अमाउंट किया। जैसे उन्होंने इसमें कर दिया होगा कि अगर ऐसा सपोज हो रहा है, अगर हम इसे एक ही चीज को ले, तो उन्होंने इसमें, उन्होंने जितना समझ के उन्होंने 6 रुपीज अपना फिक्स कर दिया होगा कि हमें 6 रुपए दो। लेकिन अब वक्त के साथ क्या हुआ, ये 10 रुपए वाली चीज 20 रुपीज में मिलने लग गई, लेकिन ब्रिटिशर्स तो अभी भी सिर्फ 6 ही रुपए ले सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कहा यार ये तो फिक्स सेटलमेंट तो हमें अच्छा नहीं है, हमें ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, ये सारा फायदा अब जो पहले तो हम जितना भी प्रॉफिट पेजेंट को, किसान को मिल रहा है, हम सारा ही उसका ले रहे थे, पहले तो इतना पेजेंट्स को परेशान कर पा रहे थे हम, अब तो नहीं कर पा रहे। तो हार्वेस्ट प्रोड्यूस बढ़ा, जमींदारों की इनकम बढ़ी, लेकिन प्रेजेंट परमानेंट सेटलमेंट होने के कारण जो स्टेट थी उसकी इनकम वो क्लेम नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनकी तो एक्सपैंड नहीं हुई इनकम। इसीलिए उन्होंने अब ये सोचा कि अब हम टेम्प्रेरी रेवेन्यू सेटलमेंट रखेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे एक ही बार कि यही हमेशा चलेगा, हम हर कुछ टाइम के बाद रिवाइज करते रहेंगे, कोई टेम्प्रेरी रेवेन्यू हम नहीं रखेंगे। ये तो एक रीजन तो आपने पहला देखा था। दूसरा, पहला तो आप ऊपर वाले से लिख लेना अगर आपको याद हो कि वो ऑक्शन वगैरह में उनको कोई बैलेंस या वैसे का वैसे ही रहता था। दूसरा रीजन आप ये वाला लिख सकते हो, और तीसरा रीजन आप ये लिख सकते हो कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा इकोनॉमिक थ्योरीज जो कि फेमिलियर थी,
1820s में एक इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर थे इंग्लैंड की। इन्होंने रिकार्डियन जो आइडियाज थे उन्हें यूज करके महाराष्ट्र में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक नई सेटलमेंट टर्म 1820s में ऑपरेट करने का सोचा। तो उसमें रिकार्डियन आइडियाज को यूज किया गया और उन्होंने ये कहा कि जो लैंड ओनर है, जो लैंड का मालिक है, उससे हमें एवरेज रेंट प्रिवेल करना चाहिए, और जब लैंड ज्यादा कमाएगी, जब लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यील्ड मतलब क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे क्रॉप ज्यादा उग रही है, तो उससे क्या होगा, एवरेज रेंट भी बढ़ेगा और हमें जो स्टेट नीडेड अ टैक्स, वो टैक्स भी हमें मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा तो वो रेंटियर्स बन जाएंगे। रेंटियर्स क्या होता है, वो टर्म यूज की जाती है उन लोगों के लिए जो रेंटल इनकम ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपका ये घर है, ये दो घर हैं आपके, इस घर में आप रहते हो, आपने इस घर को किसी को रेंट पे दिया है, तो जब आपने रेंट पे दिया तो आपको वो कुछ अमाउंट देता होगा हर महीने या हर साल, तो वो जो रेंटियर है, वो आपको जो एक टर्म यूज की जाती है पीपल के लिए, जो रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो रेंटल इनकम जो मिल रही है, उस बंदे को आप रेंटियर कह रहे हो। तो जो सरप्लस इनकम है वो प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट नहीं होगी और इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड भी नहीं हो पाएगा, कि भाई लैंड अगर आप उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मैन्योर डालोगे, ज़्यादा अच्छे आप उसमें केमिकल्स डाल रहे हो मार्केट से खरीद के, तब आपका जो प्रोड्यूस है, यील्ड है, वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप कुछ मैन्योर नहीं डाल रहे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, सॉरी, तो आपके प्रोड्यूस भी तो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडिया में ये सोचा कि बंगाल के बाद रिकार्डो थ्योरी को उन्होंने फॉलो करना था। अब जमींदार जो थे उनको रेंटियर्स की तरह देखा जा रहा था जब बंगाल की थ्योरी की बात हुई थी। मैंने कहा था ना कि ब्रिटिशर्स हैं और ये किसान हैं, उनके बीच में हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए, तो वो जमींदार थे, तो जमींदार को रेंटियर बनाया था जो रेंट को इकट्ठा करके इनको दिया करता था। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अब लगा कि हमें ये वाले सिस्टम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अलग रेवेन्यू सिस्टम की जरूरत है। वो रिकार्डो थ्योरी के ऊपर था जिसमें ये सोचा गया था कि कुछ अमाउंट आप ले लो पर बाकी का अमाउंट आप लैंड को और ज्यादा यील्ड करने के लिए, उसमें जो न्यूट्रिशन डालने के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स, उनके लिए उसको यूज करो। ये वो थ्योरी थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में था, अब आया रयोतवारी सेटलमेंट। जो ये रयोतवारी सिस्टम था ये बंगाल में नहीं था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ना कभी कभी परमानेंट सेटलमेंट और रयोतवारी में ना हल्की सी पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाती है। ये आपको बंगाल के एरिया में मिलेगा और अनलाइक दैट, इस वाले में ना जमींदार का भी एक रोल था, लेकिन इसमें सिर्फ रायत्स जो किसान हैं उन्हीं का ही रोल था, उनसे डायरेक्टली अब ब्रिटिशर्स बात करेंगे, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होगा, डायरेक्टली सेटल्ड विद रायत्स। जो भी एवरेज इनकम एस्टिमेट की गई, क्योंकि देखो हर मिट्टी की, हर क्रॉप की एवरेज, जो भी आप, अब आपको जितना वीट का प्राइस मिलेगा उतना आपको अगर वहां पे राइस ग्रो कर रहे हो, तो सबके प्राइस अलग हैं क्रॉप्स के। कोई आप पल्सेस ग्रो कर रहे हो, कौन सी पल्स ग्रो कर रहे हो, क्या पता आप कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आप कॉटन ग्रो कर रहे हो, आप क्या ग्रो कर रहे हो, उसके हिसाब से, और सॉइल कैसी है, एस्टिमेट किया गया कि एक किसान कितना ग्रो कर पाएगा और उससे कितना अर्निंग हो पाएगी, उस हिसाब से एक फिक्स शेयर किया गया था जो उसको अमाउंट रेवेन्यू के तौर से देना होगा स्टेट को, और हर 30 ईयर्स में ये कहा गया कि हम रीसर्वे करेंगे। मतलब ये जो अमाउंट है ये 30 ईयर्स के लिए फिक्स्ड है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, हमेशा के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए ये हो गया था, लेकिन रायोतवारी में क्या था, ये 30 ईयर्स के लिए फिक्स था, तो वो परमानेंट नहीं था। और अगर कहा जाए कि
वॉज द रयोतवारी सिस्टम रेवेन्यू फिक्स? तो आपका आंसर होगा कि इट वॉज फिक्स ओनली फॉर 30 ईयर्स, अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट जिसमें तो हमेशा के लिए ही फिक्स हो गया था। ठीक है, अब रेवेन्यू की डिमांड, अब इस सिस्टम को उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा चलना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? पेजेंट्स का डेट। जो फर्स्ट रेवेन्यू सिस्टम बॉम्बे दक्कन के एरिया में आया वो 1820s में आया। अब रेवेन्यू की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग गांव को छोड़ के ही भाग गए कि जब हम गांव में रहेंगे ही नहीं, हम जंगल में चले जाएंगे तो हमें टैक्स कैसे मांगोगे? तो लोग जगह को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लग गए। और कुछ एरिया में क्या हुआ कि सॉइल की क्वालिटी इतनी खराब हो गई, और बारिश कभी होगी कभी नहीं होगी, आप तो फ्लक्चुएटिंग होने लग गई कि प्रॉब्लम बढ़ गई। कभी कभी रेन फेल हो गई, हुई ही नहीं, प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ। तो लोगों को, जो किसान थे, उनको लगा हम ये इतना हाई रेवेन्यू जिन्होंने फिक्स कर दिया ये तो हम दे ही नहीं पाएंगे। तो कलेक्टर्स जो आते थे, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वो एफिशिएंसी एंड प्लीजिंग देयर सुपीरियर्स, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स में भी तो रैंक होगी ना, एक ऑफिसर होगा, एक उससे थोड़ा लो पोस्ट पे होगा, ऐसे ऐसे करके होंगे। तो एक कलेक्टर वो भी रखेंगे जमींदार की जगह। अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट कंपनी का वो इम्प्लॉई है, पहले उन्होंने कोई इम्प्लॉई नहीं रखा था, लेकिन ये इम्प्लॉई है कलेक्टर। तो ये कलेक्टर्स आएंगे कहाँ? रायट्स के पास, किसानों के पास, कि हमें दो। और ये लोग क्या चाहेंगे कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, वो हमेशा हमसे खुश रहे। अब जब कोई फेल हो जाता था अपनी पेमेंट देने पे, तो उसका जो क्रॉप्स होते थे, जो उसने जमीन पे उगाए हैं, उनको सीज कर लिया जाता था, उनको अपने पास रख लेते थे वो, और उनपे फाइन भी लगाया जाता था, और पूरी पूरी गांव पे फाइन लगा दिया जाता था। 1830s में, यानी कि ये 20s की बात हो रही है, यानी कि लगभग 10 ईयर्स में हाल इतना बुरा हो गया, प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर फिर से गिरा। 1832 के बाद तो ओवर अ डेकेड, यानी कि 10 साल से ज्यादा, डेकेड एंड अ हाफ, यानी कि लगभग 15 ईयर्स तक जो इनकम थी किसानों की वो कम ही होती गई। और इसके कारण वहां पे फेमाइन, भूखमरी आ गई इस वक्त के बीच में। थर्ड ऑफ द कैटल ऑफ डेक्कन वर किल्ड, 1/3 ऑफ द कैटल एंड 1/2 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाइड। जो सरवाइव कर पाए थे उनके पास कोई एग्रीकल्चरल स्टॉक नहीं बचा था, और उनके पास बहुत सारा ऐसा बैलेंस था जो उनको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू के तौर से देना था। तो एक तरीके से बहुत बुरा हाल हो गया था। बंगाल में तो बुरा हाल हो ही रहा था परमानेंट सेटलमेंट के कारण, और रयोतवारी सिस्टम भी कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा था। अब कल्टीवेटर्स उस टाइम पे ना पे कर पा रहे हैं, ना वो कुछ खाने को उनके पास है, ना वो कोई प्लो खरीद पा रहे हैं टूल्स, क्योंकि आपको खेती करने के लिए भी सामान चाहिए, बच्चों की शादी करने के लिए भी चाहिए। ऐसे में एक गरीब इंसान क्या करेगा? वो मनी लेंडर के पास जाए, कहेगा हमें उधार दे दो, और बोरो करने लग गए वो। तो रेवेन्यू तो पे हो ही नहीं पा रहा था, उधार अलग से चढ़ गया। मनी लेंडर्स कौन से बहुत अच्छे थे, इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो और एक बार आपने लोन ले लिया तो वो तो जिंदगी भर, उनके कहते ना वो बंद जाते थे, वो उधार झुका ही नहीं पाते थे। पेजेंट्स अब ब्रिटिशर्स को तो रेवेन्यू दे नहीं रहे, वो तो खैर छोड़ ही दो, अब वो मनी लेंडर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते थे। अब उनको लोन को भी चुकाना होता था हर दिन उनको, और उनके अपनी प्रोडक्शन। कभी कभी मनी लेंडर्स ये कहते थे ठीक है तुम पैसे नहीं दे पा रहे ना, तो तुम हमारे जो खेत है ना उनमें आके फ्री में काम करो, फ्री में, ऐसे करके वो होता था। तो ऑफिशियल्स को लगा कि पेजेंट्स का डेट जो इतना हर टाइम पे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो हमें कभी रेवेन्यू तो मिलेगा ही नहीं, और चीजें तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी, साइंस ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी आया 1840s में।
1840s में कुछ ऑफिशर्स ने रियलाइज़ किया कि जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत हार्श थी, जो उन्होंने रेवेन्यू का अमाउंट रखा वो बहुत हार्श था, और डिमांड जो थी और सिस्टम बहुत रिजिड था। अब जब इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो रेवेन्यू डिमांड्स, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हमें तो इनकरेज करना चाहिए किसानों को कि तुम ज़्यादा सामान उगाओ, अपनी खेती को बेहतर करो ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिलें। 1845 से धीरे धीरे फिर से प्राइजेस थोड़े स्टेडी होने लगे और उनकी कल्टीवेटर्स नए एरियाज में मूव करने लगे। अब पेस्टर लैंड क्या होता है, जैसे ये एक घास फूस पड़ी है, यहाँ पे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कुछ एनिमल्स हैं आपके पास, आप वहाँ पे उनको पेस्टर लैंड है, वहाँ पे वो गायें चर रही हैं, बकरी चर रही है, ऐसे कुछ घास फूस वाला एरिया था ना, वो पेस्टर लैंड है एक तरीके से। उसको धीरे धीरे कल्टीवेबल लैंड, उस पर अब खेती होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब उनको मनी चाहिए होती थी, पेजेंट को सीड्स खरीदने हैं जमीन के लिए, वो किसके पास जाएगा उधार लेने, ब्रिटिशर के पास तो जाएगा नहीं, वो फिर से जाएगा मनी लेंडर के पास उधार लेने। अब उनको पता होता था कि मनी लेंडर्स अच्छे नहीं हैं या ये है, बट फिर भी वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे उधार लेने के लिए, और फिर वो फिर से बंद जाते थे। लेकिन अभी तक हमने 1800 का देखा, बंगाल के हम 1700 से देख रहे थे, हमने 1810 तक देखा कि प्राइजेस में एक राइज आया था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट होने के कारण ब्रिटिशर्स कुछ मांग नहीं पा रहे थे एक्स्ट्रा। इसके बाद 1820s तक उनको लगा कि अब हम एक नया सिस्टम यूज करेंगे, हम बंगाल के बाहर वाले एरिया में। तो दक्कन वाले एरिया में इन्होंने कौन सा सिस्टम यूज किया, रयतवारी सिस्टम। लेकिन 1830s के और 40s के बीच में प्राइजेस के राइज नहीं हुए, प्राइजेस गिर गए, फेमाइन आने लग गया और हालत बहुत बुरी हो गई। 1845 तक इनको लगा कि अब हमें कुछ नया सिस्टम तो निकालना पड़ेगा, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे प्राइजेस अब 45 से बढ़ने लगे। अब 1860s में एक नया प्लेयर आया एग्रीकल्चर वाले लैंड में, वो था कॉटन। आप इस ग्राफ को अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1860s से धीरे धीरे आपको ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और आप देखो कि 62 तक ये कितनी पीक पे पहुंच चुका है। यहाँ से यहाँ तक 100 से लगभग 500 तक ये पहुंचा है, मतलब कि 400 का लेवल का एकदम से राइस हुआ है यहाँ। और मतलब 64 तक भी सही था, पर 66 के बाद तो एकदम से डाउन। तो ये 1860 से 66 तक, ये जो 6 ईयर्स थे, इसमें कॉटन ने जो ये अपनी बूम रखी, इससे भी एक बहुत राइज और फॉल, एकदम से देखो ये राइज हो रहा है और ये एकदम से फॉल हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ अब हम कॉटन बूम इस फेज में, जो 1860s में, देखो ये ना अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये ईयर के हिसाब से जो मैंने अभी आपको यहाँ ये टाइमलाइन में समझाया है, ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं। 1700 में जब सबसे पहले 17 से 18 सेंचुरी के टाइम में जब सबसे पहले ब्रिटिशर कंट्रोल हुआ वो बंगाल में हुआ, बंगाल में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाई, जो कि जमींदारी ऑक्शन हो रही थी, सब कुछ फेल हो रहा था। फिर 1800 में जब वो दक्कन के एरिया में उन्होंने एक्सपैंड किया तो उन्होंने रयतवारी सिस्टम लगाया। रयतवारी सिस्टम में भी फेमाइन आया, उन लोगों को वो प्रोड्यूस नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को वो रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। 1845 में धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ एग्रीकल्चर में, और हल्का सा शिफ्ट आने लगा, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगे चीज़ों के, जो आप कहते हैं ना कि मार्केट में चीज़ों का दाम बढ़ने लगा, तो किसानों को असल में थोड़ा बहुत अपनी फसल बेचने पे कुछ अब पैसे मिलने लगे। और अब हम ये 45 तक के बाद हम 1860s पे चलेंगे, जिसमें अब कॉटन में ये जो राइज और फॉल हुआ इसकी स्टोरी को हम समझेंगे, और इसके बाद जो बाकी के फैक्टर्स थे कि कैसे मनी लेंडर्स, जमींदार थे, वो अपने इंटरेस्ट बढ़ाते ही जा रहे थे,
और उससे पेजेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। ये बात ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगी। तो ये फैक्टर्स अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगले पार्ट से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का, और आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने बॉम्बे दक्कन वाले एरिया को कवर करना शुरू किया था और हमने देखा था कि जैसे पहले बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन अब उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसके बहुत से रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए थे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ? रयोतवारी सिस्टम सेटलमेंट। अब रयोतवारी सेटलमेंट में क्या हो रहा था? डायरेक्ट रायत या पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? परमानेंट सेटलमेंट में बीच में जमींदार कलेक्ट किया करते थे रेवेन्यू और फिर वो ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। हमने इसमें देखा कि पेजेंट्स को कितनी सारी परेशानियां हो रही थी और कैसे प्राइसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो किसान अपने टैक्स को पे ही नहीं कर पा रहे थे। फिर एकदम से 1845 के बाद थोड़ी सी रिकवरी होने लगी थी और अब हम शुरू करने वाले हैं कॉटन बूम को। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये इंक्रीज हो रहा है ना 1862 से 60 के बीच में, और लगभग 64 तक यही है, बट फिर उसके बाद ये एकदम से नीचे आ गया। तो ये पूरी जो जर्नी है ये अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी या कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। कोई व्यूज हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉटन बूम। अब हम 1860s की बात करेंगे क्योंकि ये 1860s में कॉटन में एकदम से राइज आ रहा है। तो इससे पहले क्या हो रहा था? 3/4 ऑफ द कॉटन जो ब्रिटेन में इम्पोर्ट, का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन में जा रही थी, वो अमेरिका से आ रही थी। पर जब अमेरिका के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस हो गई और अमेरिका से सप्लाई नहीं आ रही थी, तो अब उन्होंने सोचा कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो इमेजिन 3/4 कॉटन आ रही है अमेरिका से, अब वहां से अगर नहीं आएगी तो क्वेश्चन आता था कि कहां से आएगी। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने शुरू किए। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन। अब ये ना एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि 1857 में कॉटन एसोसिएशन इंडिया में फाउंड हुई थी बाय ब्रिटेन, ट्रू या फॉल्स। तो हम ना कितनी बार उसको ट्रू कर देते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना कि कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में हुई थी। और 1859 में द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वॉज फाउंड। 1857 में एसोसिएशन बनी और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन की कंपनी बनी, जिसका काम ये था कि कहीं भी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कॉटन कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है उन जगहों को देखना। तो उन लोगों ने इंडिया को देखा और उन्होंने कहा कि इंडिया में तो बहुत अच्छी कंडीशंस हैं जो हमें कॉटन सप्लाई कर सकता है, यहाँ की सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल सूटेबल है जो हमें कॉटन दे सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खुद की कॉलोनी है और यहाँ पे हमें चीप लेबर मिल जाएगी, हम इनसे आराम से काम करवा सकेंगे, तो कॉटन के लिए ये वाली जगह तो बेस्ट रहेगी। तो जब
मिनट, सॉरी, जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, कब हुआ? 1861 में हुआ। तब 3/4 ऑफ द कॉटन जो अमेरिका से आ रही थी वो आनी बंद हो गई, तो एकदम से पैनिक हो गया कि अब कॉटन कहाँ से आएगी, क्योंकि कॉटन से ही आप क्लॉथ बनाओगे, कॉटन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ब्रिटेन में एकदम से पैनिक हुआ कि अब कहाँ से आएगी कॉटन। जो अमेरिका की कॉटन पहले आ रही थी उस सपोज 2 करोड़ तक आ रही थी पहले, अब वो फेल होके सिर्फ 55,000 बेल्स तक हो गई। तो अब देख रहे हो 1 साल में कितना ज्यादा गिरावट आ गई कॉटन अमेरिका से जो आ रही थी। अब वहां जब ये डिक्रीज हुआ तो इंडिया में इंक्रीज आने लगा। कैसे? अब उन्होंने इंडिया में कहा कि आप यहाँ पे कॉटन उगानी शुरू कर दो। बॉम्बे का एरिया, जो एरिया कॉटन के लिए बिल्कुल सूटेबल था, वहां पे बोला गया कि आप कॉटन उगाने की शुरू करो, उनको एनकरेज किया गया। कॉटन के प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि एक्सपोर्ट होने लगा। इंडिया से कॉटन जा रही थी, कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन जा रही थी, क्योंकि अमेरिका से कॉटन आनी बंद हो गई थी। बहुत ज्यादा एडवांसेस दिए जा रहे थे, क्योंकि ये बात साहूकार्स को भी पता थी कि कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत हाई प्राइस इनको मिलेगा। तो साहूकार्स ने एडवांस देना शुरू कर दिया, लोन्स देने शुरू कर दिए कॉटन ग्रो करने पे, और उन्होंने कहा लोगों को कि आप अपना जो प्रोड्यूस है, देखो ये न्यूज़ कि कॉटन अब यहाँ पे उगाई जाएगी और कॉटन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये न्यूज़ एक साहूकार या एक जिन लोगों को इन न्यूज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है उनको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है वर्ल्ड में, लेकिन एक नॉर्मल विलेजर जो एक पेजेंट किसान है उसको नहीं पता। वो तो इसी बात में खुश है कि उसको लोन मिल रहा है या उसको एडवांस मिल रहा है कॉटन ग्रो करने के लिए। पर इस पे शर्त क्या रखी साहूकार ने कि तुम्हारे यहाँ जितनी भी इस लैंड, सपोज इस लैंड में कॉटन ग्रो होगी, तो इस लैंड में जितनी भी कॉटन ग्रो होगी वो पेजेंट खुद आके मनी लेंडर को देगा, मनी लेंडर उसको जो भी मनी बनेगी वो दे देगा, और मनी लेंडर खुद जाके उसको मार्केट में बेचेगा। ठीक है, तो इससे फायदा पेजेंट को तो बहुत ही कम, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मनी लेंडर को होगा। तो एकदम से हर जगह पे कॉटन को लेके जो लोन्स देने थे, उधार देना था, वो देना बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट दक्कन की साइड में बहुत हुआ। जो रायट्स थे डेक्कन की विलेजेस में, उन्होंने देखा कि उनको लिमिटलेस क्रेडिट, मतलब पहले तो उन लोगों को मनी लेंडर्स एक लिमिटेड अमाउंट का उधार देते थे कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ कोलैटरल देनी पड़ेगी, कुछ जमीन हो, कोई गहने हो उनको दो, और उसके बदले हम तुम्हें थोड़े से पैसे देंगे। लेकिन जब बात कॉटन की आ रही थी तो उनको बहुत सारा एडवांस मिल रहा था। ₹100 एज अ एडवांस हर एकड़ ऑफ लैंड जहां पे कॉटन ग्रो की जा रही थी। ये एडवांस हर को किसी को नहीं मिल रहा था, सिर्फ उनको मिल रहा था जो कॉटन ग्रो करना, अपने लैंड पे ग्रो करने वाले थे, सिर्फ उनको ही ये एडवांसेस दिए जा रहे थे। और उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन्स, पहले क्या होता था उनको थोड़े कि मैं तुम्हें ये वाला क्रॉप ग्रो होगा सपोज 2 महीने में ग्रो हो जाएगा या 1 साल में, मैं आप तुम्हें ये पैसे वापस देने हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको पता था कि कॉटन की डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि पता नहीं था कि अमेरिका का वॉर कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि आप लॉन्ग टर्म लोन ले लो हमसे। पर क्योंकि इनको पता था कि फायदा होगा और इनको पैसे तो वापस मिलने ही मिलने हैं, तो साहूकार ने बहुत सारा लोन देना शुरू कर दिया किसानों को। अभी तक बेसिकली हम यही बात अभी समझा रहे हैं आपको। अब जब अमेरिका में क्राइसिस बढ़ा तो बॉम्बे में प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका में क्राइसिस कंटिन्यू होने के कारण वहां से कॉटन आनी बंद हो गई और यहां से ब्रिटेन कॉटन जानी शुरू हो गई। तभी जो आपके ऊपर के इस ग्राफ में दिखाया जा रहा था ना कि यहाँ पे इस टाइम में क्यों वो एकदम से कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में वहां पे वॉर चल रहा है, और इस टाइम में अमेरिका से बिल्कुल भी कोई भी कॉटन प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जा रही है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन कहाँ से ले रहा है? ब्रिटेन ले रहा है इंडिया से कॉटन। तो इसीलिए कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई इस टाइम में, 1860 से बढ़नी शुरू हुई और 64 तक
ये इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। इंडिया की कॉटन में हमने अभी तक देखा कि कैसे साहूकार उनको एडवांस दे रहे थे, और लगभग 90% ऑफ कॉटन इंडिया से इंपोर्ट की जाने लगी थी ब्रिटेन। सोचो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गया था कॉटन का यहाँ पे, कि लगभग 90% ऑफ कॉटन ब्रिटेन कहाँ से जा रही थी, इंडिया से जा रही थी। लेकिन मैंने जैसे बोला कि कॉटन जो एक्चुअल में किसान उगा रहा है उसको इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। सिर्फ जो बहुत अमीर किसान थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, या फिर जो जमींदार थे या जो मनी लेंडर्स थे, उनको मुनाफा हुआ। कॉटन बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लग गई, हर कोई कॉटन, अगर आपने जमीन पे कॉटन उगानी है आपको फटाफट उधार मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि कॉटन एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस ना जाने कितना ही बढ़ जाएगा। तो इससे यह आपको याद रखना है कि एक्चुअल बेनिफिट किसको हो रहा था उस बूम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉटन बूम जब हो रहा था 1960-64 के बीच में, तो क्या एक्चुअल में पेजेंट को कोई बेनिफिट हो रहा था? तो आप कहोगे नहीं, ये प्रोस्पेरिटी पेजेंट्स को नहीं मिली थी, इसका बेनिफिट सिर्फ जो एक अमीर किसान था या मनी लेंडर्स थे उनको मिल रहा था, क्योंकि वो इतना सारा जो ये लोन दे रहे हैं वो लोगों को झुकाना तो पड़ेगा ही ना। आज आप कितना ही लोन ले लो, लेकिन आपको कभी ना कभी तो उस लोन को विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो चीज एक नॉर्मल किसान के लिए बहुत मुश्किल था, और इसीलिए उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। फायदा किसको हो रहा था? अमीर लोगों को फायदा हो रहा था। अब एकदम से क्रेडिट ड्राई अप, क्रेडिट क्या होता है, जो आपने बेसिकली लोन दिया है, उधार दिया है, वो ड्राई अप हो गए, वो मिलने अब बंद हो गए, ऐसा क्या हुआ? सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी या कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। कोई व्यूज हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब एकदम से क्रेडिट ड्राई अप, क्रेडिट क्या होता है, जो आपने बेसिकली लोन दिया है, उधार दिया है, वो ड्राई अप हो गए, वो मिलने अब बंद हो गए, ऐसा क्या हुआ? ये जो बूम था ना, ये हमेशा नहीं रहा। जैसे कि वो ग्राफ में ऐसे लाइन ऐसे हो रही थी। क्यों ऐसे हो रही थी? क्योंकि जब 62 से 64 तक तो ये लगभग बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये हमेशा नहीं रहा, ये डाउनफॉल आया इसका। क्यों? क्योंकि जो कॉटन मर्चेंट्स थे इंडिया के, उनको क्या लग रहा था, वो क्यों इतना सारा लोन दे रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि अब इंडिया अमेरिका को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा, और पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे कॉटन के टाइम पे अब हम सिर्फ इंडिया का ही दबदबा होगा, पूरी वर्ल्ड मार्केट को इंडिया कैप्चर कर लेगा, अमेरिका का तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि 90%, हमने ऊपर अभी देखा कि ब्रिटेन में कॉटन कहाँ से जा रही थी, इंडिया से जा रही थी। अगर हम बॉम्बे गैजेट की बात करें, हैड आस्ट 1861 में कि इंडिया को क्या प्रिवेंट कर रहा है स्लेव स्टेट एज अ फेडर ऑफ लेशियर। तो अब क्या हुआ, 1965 तक ये सारी जो सपने थे कि हम तो पूरी दुनिया पे, हमारा ही वर्ल्ड में हम कॉटन सेल करेंगे, अमेरिका तो अब बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा, अमेरिका को इंडिया रिप्लेस कर देगा, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हुआ तो कॉटन फिर से वहां से जाने लग गई, और अब ब्रिटेन में इंडिया की कॉटन की डिमांड खत्म हो गई। अब जब इंडिया में कॉटन की डिमांड खत्म हो गई तो मर्चेंट्स और साहूकार्स ने क्या किया, उन्होंने अब लोन देने बंद कर दिए, डिमांड ऑफ कॉटन कम हो गई। तो अब जिन किसानों ने ये सोच के लैंड पे अपने कॉटन ग्रो की थी कि हमें इसका अच्छा प्राइस मिलेगा, अब उनको क्या इसका प्राइस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट में ये बिकेगी ही नहीं, तो या फिर बिकेगी तो बहुत कम प्राइस पे बिकेगी। तो इससे क्या हुआ, अब एडवांसेस मिलने भी बंद हो गए, और इतना सारा उधार किसानों के ऊपर, कहते ना
धीरे 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 करके एड अप हो गया, इतना सारा उनके ऊपर उधार था जो अब उनको झुकाना था, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि अब कॉटन के उनको मार्केट में वो प्राइस मिल ही नहीं रहे थे। रेवेन्यू की डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि बीच में कुछ टाइम, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 30 ईयर्स तक वो फिक्स्ड रहता है और उसके बाद वो रेवेन्यू चेंज करते हैं। तो जब कॉटन में इतना इंक्रीज हो रहा था तो इनको लगा कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया, अपना टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन अब हम टैक्स दें कहाँ से जब हमें मार्केट में ही नहीं कुछ देने को है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो सारी चीजें बहुत मुश्किल हो गई। आप सोच के देखो, डिमांड इंक्रीज्ड, जो न्यू सेटलमेंट थी उसकी डिमांड 50 to 100% बढ़ गई। और ये डिमांड एक किसान कैसे पूरी करेगा जब मार्केट में आपको अपनी कॉटन के उतना प्राइस मिल ही नहीं रहा, तो एक किसान इतना पैसा कैसे देगा? तो फिर वो वापस से उधार लेने के लिए चले गए, लेकिन इस बार उनको उधार नहीं मिला क्योंकि मनी लेंडर को पहले पता था कि कॉटन मार्केट में इतनी ज्यादा बिक रही है कि आज नहीं तो कल उनका उधार उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन अब उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई किसान उनका उधार वापस कर पाएगा क्योंकि कॉटन के अब प्राइसेस मार्केट में मिलेंगे ही नहीं क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे करके सारा का सारा जो इनजस्टिस था, सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स थी, वो किसके ऊपर आ गई? किसानों के ऊपर आ गई, पेजेंट्स के ऊपर आ गई, जो रायत है। तो उनको ना उधार मिल रहा था, लोन मिल रहा था, और उनके ऊपर इतना रेवेन्यू था जो उनके ऊपर टैक्स था जो उनको देना था, एंड वो जो किसान ना किसानी से ही अपना घर चलाएगा, तो जब किसान जो ग्रो कर रहा है उसको उतने पैसे ही नहीं मिल रहे, तो फिर वो कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे टैक्स देगा और हर चीज कैसे मैनेज करेगा? जब मनी लेंडर्स ने मना कर दिया कि अब हम आपको और लोन्स नहीं देंगे, और जो डीपर और डीपर इनटू डेट्स, क्योंकि लोन के ऊपर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता था और इनका डेट ना जाने कितना बढ़ता चला गया, और लोग मनी लेंडर्स के उधार पे ही जी रहे थे। लेकिन अब वो इतने मनी लेंडर्स को सब कुछ पता था कि लोग इतने परेशान हैं, लेकिन मनी लेंडर्स ने बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव चीज की। मनी लेंडर्स ने किसी का दुख दर्द नहीं समझा, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मनी लेंडर कस्टमरी नॉर्म्स, एक ना नॉर्म होता है कि अगर आपने किसी से 100 रुपये का उधार लिया है तो उस पे ना आप 100 रुपीज का इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट नहीं लगाओगे कभी भी, कि आपको मुझे 200 रुपये वापस करने होंगे, ऐसा नहीं होता ना। 100 रुपये का आपने लोन लिया है तो आपको 100 रुपये पे 5%, 10%, 20% आप उस पे इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन ये नॉर्म है कि आप प्रिंसिपल जितना इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना 100 रुपीज, जो मेन अमाउंट है, आप उतना ही इंटरेस्ट तो किसी से नहीं ले लोगे। लेकिन मनी लेंडर्स विद सर्टेन वाइड स्प्रेड कॉलोनियल रूल से पहले भी मनी लेंडर्स तो थे ही, और मनी लेंडर्स बहुत पावरफुल थे। अब मनी लेंडर्स और किसानों के बीच में भी एक रिलेशनशिप था, और एक जनरल नॉर्म ये था कि इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे अगर पूछा जाए कि मनी लेंडर्स ने कैसे इनसेंसिटिव बिहेवियर किया टुवर्ड्स किसान या फिर रायत्स पेजेंट्स, तो आप कहोगे कि जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट से मैंने आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल आप कितना अमाउंट ले रहे हो, आपने सपोज 100 रुपीज प्रिंसिपल लिया, इसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, आप 20% चार्ज कर लो, 30% चार्ज करो, लेकिन आप 100 रुपीज पे किसी को ये नहीं बोलोगे कि तुम 100 प्लस 100, तुम्हें हमें 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये कैसा ब्याज है और ये कैसा तरीका है, ये तो बहुत गलत होगा। तो अंडर कॉलोनियल रूल इस नॉर्म को भी तोड़ दिया गया। ये माना जाने लगा कि द मनी लेंडर हैड चार्ज रुपीज 2000 एज अ इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ रुपीज 100। सोचो, ये तो मैं बहुत ही कम बोल रही थी, उन्होंने तो 100 रुपीज पे
200 रुपये, 2,000, 200 भी नहीं, 2,000 तक का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। ये तो कितना ही अनफेयर है। और जब किसानों को ये बात समझ आने लगी कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो वो कहाँ गए, वो जस्टिस लेने गए। कोर्ट में जाएंगे आप जब आपके साथ कुछ गलत होगा, तो उन्होंने पेटिशन फाइल की। उन्होंने बोला कि ये जो एक नॉर्मल रूल है कि प्रिंसिपल से ज्यादा, ये तो मैं बराबर कह रही थी, मैं ये तो गलत ही कम ही कह रही थी, ये तो ये हो गया कि आप 2 रुपए के ऊपर आपने 200 रुपए चार्ज कर डाले। क्या मतलब हुआ उन 2 रुपए का, 2 रुपए मुझे चाहिए ही नहीं अगर मेरे को 200 रुपए देने पड़ेंगे 2 रुपए की बदले में। तो ये कैसा उधार है। तो इनके साथ बहुत गलत हो रहा था और इन्होंने पेटिशन, अपना जो प्रॉब्लम्स थी उनकी पेटिशन लिखनी शुरू की। रायट्स को उन्होंने, मनी लेंडर्स को ऐसे लोगों की तरह देखना शुरू किया जो उनके दुख का रीजन थे, और वो इतना गलत कर रहे थे। उन्होंने कंप्लेन किया कि कैसे मनी लेंडर्स जो मैन्युपुलेट कर रहे थे लॉस को और फॉर्जिंग इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में ना आपने मूवीज में भी देखा, खाली पेपर पे सिग्नेचर करवा लेना, थंब का इम्प्रेशन ले लेना, वो लोग ऐसे काम करते थे। तो अकाउंट्स को भी ना मतलब फिगर्स को उल्टा पुल्टा कर देना कि उन्होंने कम पैसे लिए लेकिन लिखवा ज्यादा लेना, ऐसे करके चीजें करते थे वो। अब जब ब्रिटिशर्स को ये बात एहसास हुई तो 1859 में एक लॉ पास हुआ, लिमिटेशन लॉ, जिसने ये बोला कि जो लोन है, आप जब भी किसी को उधार दोगे आप उसे साइन करवाओगे, भाई प्रूफ तो होना चाहिए मनी लेंडर में भी और रायत किसान के बीच में, एक बॉन्ड साइन होगा कि मैंने इसको 100 रुपीज दिए हैं और ये मुझे अगले 2 साल या अगले जितने भी इयर्स में मुझे ये पैसे वापस करेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो बॉन्ड है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, और जो भी लॉ वॉज मेंट टू चेक एक्यूमिलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम, वो ये जानना चाहते थे कि अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट एक्यूमिलेट हो रहा है। अगर मैं 10% ले रही हूँ तो अगले साल मेरे को 110 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, फिर मेरे पे 20 रुपये का इंटरेस्ट चढ़ेगा, 30 रुपये का, या इसके ऊपर चढ़ेगा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो तो। थोड़ा मैथ्स हो जाएगी इसमें, बट बहरहाल वो ये जानना चाहते थे कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है ओवर टाइम। अब मनी लेंडर्स ने इस चीज को भी अपने तरीके से घुमा दिया। जैसे ऊपर आपने ऑक्शन का देखा था ना कि ऑक्शन करने का रूल तो उन्होंने बना दिया था जमींदारी को, लेकिन ऑक्शन हकीकत में हो रही थी, नहीं हो रही थी, फिक्टिशियस ऑक्शन हो रही थी, मतलब सिर्फ देखने में लग रहा था कि जमीन किसी और की थी, अब किसी और को मिल गई, लेकिन हकीकत में वो जमीन जिस जमींदार की थी वो उसकी ही रह रही थी। तो ठीक उसी तरह इस लिमिटेशन लॉ को भी मनी लेंडर्स ने अपने तरीके से घुमा दिया। कैसे किया उन्होंने, उन्होंने हर 3 साल, उनको पता था कि ये लॉ कितने साल का है, 3 ईयर्स का है। अब वो क्या करते थे, बेचारा किसान मजबूर है, उसको पैसे चाहिए। देखो कोई इंसान, आप सोचोगे यार वो रायत या किसान ऐसे बॉन्ड साइन कर ही क्यों रहे हैं जब उनको पता उनसे गलत हो रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे, उनको अपना टैक्स भी पे करना है, उनको अपनी लाइफ जीनी है, उनके पास और कोई साधन नहीं है, नहीं तो कौन इतना ज्यादा उधार, इतना ज्यादा ब्याज या इंटरेस्ट देना चाहता है। तो इस पे मनी लेंडर्स ने क्या किया, हर 3 साल के बाद वो जो भी नया बॉन्ड होता था वो साइन करवा लेते थे। तो क्या हुआ कि बस पेपर चेंज हुआ है, पहले ये वाला बॉन्ड था 2000 में, और 2003 में क्या हुआ, एक नया बॉन्ड साइन करा लिया गया। ओनर वही मिस्टर राम थे और अभी भी मिस्टर राम ही रहेंगे, और जो यहाँ अमाउंट था वो यहाँ पे ये लोग इसका प्रिंसिपल बना देते थे। ऐसे करके ये लोग घपलेबाजी भी कर रहे थे। जो ओरिजिनल रोन, जैसे सपोज ₹100 है तो यहाँ पे भी ₹100 लिखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये यहाँ अगर 200 ऐड हो गए तो यहाँ 200 लिख देते थे। और अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 100 रुपए लिए थे, लेकिन 3 साल के बाद तो अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसमें तो 200 या 300 रुपए लिए थे। तो वो ऐसे करके एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में एंटर कर रहे थे। ये आप बात अगर थोड़ी आपको मैथ्स में लग रहा है या लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, बस आप ये समझो कि जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने अब एक वही साइन वही इंसान से नए पेपर पे करा लिया, वो प्रोसेस वही चल रहा था। अब इससे क्या हुआ कि परेशानियां तो खत्म हुई नहीं, पेटिशंस जो डाली जा रही थी, दक्कन रायत कमीशन ने वो सारी पेटिशंस को इकट्ठा किया
रायट्स ने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है और कैसे मनी लेंडर्स अलग अलग तरीकों से फिर भी उनको जो नए लॉ हैं वो उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। और जब आपने सपोज 100 रुपये लिए तो आपने वहां पे साइन किया या अंगूठा लगा दिया, थंब लगा दिया, तो आपको भी एक रिसिप्ट, आपको भी एक प्रूफ मिलना चाहिए ना कि मैंने 100 रुपये लिए हैं और अब मैंने 100 में से 50 रुपए वापस दे दिए हैं। आपको ऐसे एक प्रूफ आपके पास भी होना चाहिए, लेकिन मनी लेंडर्स उनको वो रिपेयर किए हुए लोन की रिसिप्ट देते ही नहीं थे और एक फिक्टिशियस फिगर ऐसे ही आगे जाके वो नए नए बॉन्ड साइन कराते रहते थे। वो कहते हैं ना कि एक बार आपने लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया, पहले में होता था, अब वो जिंदगी भर आप वो उसके उधार आपको अब झुका ही नहीं पाओगे। इस तरीके से वो लोग उनको बांध देते थे। डीड्स और बॉन्ड्स जो ये लोग साइन करवाते थे वो एक ऑप्रेसिव सिस्टम कि उनके ऊपर अब वो फंस गए हैं, अब उसके अंदर वो परेशान थे, वो उसका एक सिंबल था। इन डीड्स को हैव बीन रेयर, ब्रिटिश वो सस्पिशियस कि जो ये ट्रांजैक्शन हो रहे थे ये इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो रहे थे, क्योंकि जो पहले चीजें इनके रूल से पहले चली आ रही थी लोग आज भी उसी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे आप बैंक से जाके लोन ले रहे हो, दैट इज अ प्रॉपर फॉर्मल वे ऑफ टेकिंग अ लोन। लेकिन अगर आप अपने दोस्त से बोल दो यार मुझे तू 100 रुपये दे दे, तो वो एक फॉर्मल वे नहीं है, वो एक इनफॉर्मल वे है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो रायट्स और मनी लेंडर्स में प्रॉब्लम हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ये लोग ना वो पास्ट के तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है, दो लोगों के बीच में सपोज ये मनी लेंडर है और ये रायत है, तो रायत ने क्या किया, जब उनसे मनी ली इसके बदले अब ये उसको इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि जो ये ट्रांजैक्शन है इसको बहुत क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉपर डिटेल्स लिखी होनी चाहिए कि किसने लोन लिया है, वो कहाँ रहता है, कब लिया है, क्यों लिया है, आपको प्रॉपर एक एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उनने कहा कि अब ये रेगुलेटेड बाय लॉ होना चाहिए, क्योंकि जब लॉ बन जाता है ना तो चीजें इनफॉर्मल नहीं, चीजें फॉर्मल होने लग जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब तक इसको लीगली नहीं किया जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं होगी और जो वो प्रॉब्लम्स किसान फेस कर रहे हैं वो फेस करते ही रहेंगे। पेजेंट्स की जो लाइफ थी वो एक मिजरी के तरीके से दिखने लगी, क्योंकि जो बॉन्ड्स और डीड्स वो लोग साइन कर रहे थे वो एक मिजरी का साइन था कि वो लोग कितने परेशान थे। उन लोगों को साइन और थंब का इंप्रेशन, जो कहते हैं ना अंगूठा लगवा लेते थे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, और उनको पता ही नहीं होता था कि हकीकत में वो डॉक्यूमेंट है क्या। आपने देखा हो कितनी बार खाली पेजेस पे लोगों से साइन करा लेते थे या फिर उनका थंब लेते थे, बाद में चलता था उनकी पूरी पूरी जमीन अब वो हड़प ली गई है, वो मनी लेंडर्स ले लेते थे। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसा होता था। तो उन लोगों को कुछ नहीं पता होता था कि किस चीज पे वो साइन कर रहे हैं, और कभी कभी एक बॉन्ड है सपोज जिसमें उसने लोन लिया है तो उसमें नीचे ना टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती थी कि आपको इस लोन को इतनी डेट को चुकाना है, इतने परसेंट आपको इंटरेस्ट या ब्याज देना होगा, वो सब चीजें लिखी होती थी। तो कभी कभी वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस, नई क्लॉजेस को ऐड कर देते थे बॉन्ड में, कौन मनी लेंडर्स, और ये बात किसानों को पता ही नहीं होती थी। और क्योंकि नीचे उनके साइन है या उन्होंने ऐसी खाली पेज पे साइन किया है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती थी कि उनको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि जब वो उनकी बात मानेंगे तभी उनको आगे जाके दोबारा उधार मिलेगा। तो अपने लाइफ को जीने के लिए उनको उधार चाहिए था, और उधार उन्हें कहाँ से मिलेगा, मनी लेंडर से मिलेगा। इसीलिए चाहे वो बात सही थी गलत थी, उनको उनको पता था कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको वो बातें माननी पड़ती थी क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब बात करते हैं द डेक्कन रायट्स, जो ये रायट्स हुए क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब लोग इसको, उन लोगों के कहते हैं ना आपके सर से ऊपर निकल गया पानी, अब वो इतने परेशान हो गए तो रिवोल्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है जो ये जब रायट शुरू हुए, लेकिन 1857 का रिवोल्ट इस वक्त हो चुका था, उसके डर से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन इंक्वायरी की बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम है किसानों की जो उनको इतना परेशान कर रही है। इस पे एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई थी, इंडिया में नहीं, ये रिपोर्ट कहाँ प्रोड्यूस की गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1858 में, क्योंकि 1857 में जो हुआ उसने ब्रिटिशर्स की बुनियाद को हिला दिया था, क्योंकि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसीलिए वो इस बार जब रिवॉर्ड रायट्स हुए तो उन्होंने इस बार कहा कि हम ना इस बार रिस्क नहीं लेंगे, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई। रिपोर्ट ने ये कहा कि जो डेक्कन रायट रिपोर्ट है, हिस्टोरियंस को काफी सारे अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं जिनसे वो पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि कमीशन ने एक एक रायट्स के जो भी रिकॉर्ड्स थे, सेटलमेंट्स थी, साहूकार्स, आई विटनेसेस, उन सब के जो स्टैट्स थे कि वहाँ के क्या हाल हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया, उनको कितना प्राइस मिल रहा है, उनको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें, ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर और यहाँ पे रायट्स हैं, तो उन्होंने पहले जब परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में की थी, उन्होंने क्या किया था, बीच में जमींदार्स को ले आए थे, लेकिन अब वो उन्होंने खुद के ऑफिसर्स जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको अपॉइंट किया था। तो जब रेवेन्यू को कलेक्ट करना तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, ये सब हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो वही रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स इस कमिटी ने इकट्ठी की और फिर वो सारा कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में किसान था उसकी प्रॉब्लम तब भी कोई सॉल्व नहीं हुई और वो लोग अपने में ही बस इंक्वायरियां करते रहे और कोई असल सॉल्यूशन निकला नहीं। तो ये था पूरा का पूरा इवेंट। और हमें ये पता चलता है कि आपको सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती, एज अ हिस्टोरियन उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ा तब जाके उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चली। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1857 का अगर न्यूज़पेपर ब्रिटेन में कोई छप रहा है उस न्यूज़ का, और एक न्यूज़ जो इंडिया में छप रही है, उन दोनों की एंगल ऑफ एक ही इवेंट बहुत अलग तरीके से दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चौरी चौरा इवेंट जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, वो जब ब्रिटेन में दिखाया जाएगा तो दिखाया जाएगा कितना गलत है, ब्रिटिशर्स को मार दिया, वो तो उनके अच्छे के लिए आए हैं, मतलब वो ब्रिटिश के एंगल से दिखाएंगे। और इंडिया के एंगल से दिखाया जाएगा कि ये हमारी आज़ादी की फर्स्ट वॉर है, हमें फ्रीडम चाहिए। तो आपको दोनों एंगल्स देखने पड़ेंगे और जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको उस चीज़ में भी ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर 10, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 11, और अब लगभग एंड पे आ चुके हैं हम, तो अभी रिवाइज कीजिए इन चैप्टर्स को। और कोई भी एमसीक्यू है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये जो मैं आप अगर बुक में मार्क नहीं कर रहे, अपने नोट्स नहीं बना रहे, एटलीस्ट सुनो इनको, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आएंगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।